गुड मॉर्निंग, वेलकम एट द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ PCC प्राइड कोचिंग क्लासेस जौनपुर। IIT JEE और नीट के प्यारे विद्यार्थियों, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पूरी तरह समाप्त हो गया है। इससे पहले एक मेजर पोर्शन, बड़ा खंड था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस पर भी हम लोग निजात पा गए हैं। अब मैग्नेटिक्स, जिसमें करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटोस्टैटिक्स शामिल है, जो लैब के मैग्नेट हैं, एक्सपेरिमेंटल मैग्नेट, बार मैग्नेट, उसकी स्टडी करनी। तो अभी फिलहाल हम लोग बायो सावर्ट का लॉ देखे हैं और बायो सावर्ट के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के करंट कैरिंग वायर थे, उसकी वजह से डिफरेंट पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड एस्टिमेट किया जा रहा था। अब तक कुल 4 इंपॉर्टेंट केस हो गए हैं। एग्जाम में आने वाले 2 खास हैं, एक स्ट्रेट वायर और एक लूप। स्ट्रेट वायर की वजह से आर सेपरेशन मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 2 पाई होता है, I/R। लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट, एकदम मैच भी कर रहा है, देखिए दोनों, म्यू नॉट बाई 2 और इंटू I/R। लूप वाले में पाई नहीं रहेगा, स्ट्रेट वाले में पाई रहेगा। दो ये केस इसी के बेस पर, इसी के मिक्स पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसको कल खुद देखा भी गया है और कल तो लास्ट में हम लोग टोराइड पढ़े थे, उससे थोड़ा सा पहले सालिनाइड। सालिनाइड पर भी सवाल बनते हैं। सालिनाइड में बस वही ध्यान देना है, इनफाइनाइट लेंथ का सालिनाइड रहेगा, बहुत लंबी सालिनाइड रहेगी, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो म्यू नॉट NI, और इंड पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो इसका आधा म्यू नॉट NI/2, सेंटर पर म्यू नॉट NI और इंड पर म्यू नॉट NI/2। माने पढ़िए सब, कंक्लूजन निकाल के रख लीजिए। हाँ बोलिए। अच्छा देख रहे हैं, ठीक देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक ठीक। और एक ये सालिनाइड अगर फाइनाइट लेंथ का हो, इनफाइनाइट लेंथ का नहीं, फाइनाइट लेंथ हो, तब इस समय फार्मूला कई था जिसमें से हम लोग अपने लिए खास करके प्रेम किए थे, दोनों तरफ से एंगल दिया गया हो तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, म्यू नॉट NI/2 ब्रैकेट में कास अल्फा और प्लस कास आर। ये क्वेश्चन समझ रहे नहीं, ये सबसे खास था, ये कास अल्फा और कास बीटा। कास निकालने के लिए क्या टेक्निक है, बेस और बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब ये वाला पाइथागोरस, जैसे टोटल 5R डिस्टेंस है, इधर का 2R है, और कह दिया इधर से कितनी डिस्टेंस होगी, तब तो 3R हो। बोलिए कास अल्फा क्या होगा, जल्दी से, बेस, बेस मतलब 3, और हाइपोटेनस करना इसी के स्क्वायर में एक और ऐड कर, इसकी रेडियस R ही है तो 3 और ये 10 हो जाएगा। कास बीटा बोलिए, बेस मतलब 2 और हाइपोटेनस, और नंबर में बाकी आर और तो रहेगा, आर कैंसिल भी हो जाता है ना, हम जल्दी से लिखने की स्टाइल आपको बता रहे थे। तो सबसे कठिन वाले पर भी चर्चा हो गई थी। लीजिए एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन से। हाँ एक क्वेश्चन कौन सा था जरा दिखाइए, कल वाला। अच्छा वो तो बताया भी गया था क्लास में, कल तो लगवाया गया है। इधर देखिए ये वाला इनका सवाल है भाई, कहीं कम समझ में आया है ये। स्क्वायर फ्रेम था जिसमें से एक साइड को गायब करके ऊपर सेमी सर्कल बना दी, ये वाला। इसमें साइड कितना था जी, ए था कि एल था, चलिए ए साइड था, ए साइड। तो क्या दिक्कत है, तो आ ही जाना चाहिए। यहां देखिए भाई, यही सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो कितने पीस बन रहे हैं इसमें, 4 पीस हैं, 1, 2 ये लूप वाला, 3 और ये स्ट्रेट वाला, 4, जिसमें से 2 की वजह से सेम होगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से सेम होगा, ये अलग है ये अलग है, और इसकी वजह से निकालने के लिए पहले नीचे मिला दीजिए एंगल, है ना,
ये रेडियस काम करेगा तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई? अब इसी पॉइंट को एक इंच मिला तो जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। और दूसरी इंच को मिलाने पर जो बनता है वो बीटा। यहां पर बीटा कितना बन रहा है? बीटा जीरो है। बस बीटा आपके लिए जीरो है और अल्फा कितना है? अल्फा नहीं निकल पाता, कास निकाल लीजिए ना, कास अल्फा। अच्छा अल्फा 45 नहीं दिया गया था क्या फिगर में? तो यही भूल हो गई थी। यानी अगर स्क्वायर के सेंटर पर रहा होता ये, यहां पर जैसे ये वाला एंगल रहा होता, यहां से एंगल अगर पूछा जाता तब 45 होता ना। अभी वाला साइड लगवाया नहीं गया एक, इसमें भी गलती से आप 45 लिख लिए क्या? तब हल्का सुधार लीजिए भाई। अब उसमें है क्या ना कि कास अल्फा निकालेंगे तो ये कितना है? बेस। और ये आपके लिए हाइपोटेनस है कि नहीं? तो बेस कितना है? ए बाई टू। अब हाइपोटेनस लिखेंगे तो अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये तो ए है और इसका ए स्क्वायर बाई फोर, ये कुल मिलाकर के आ गया 1/√5। कास अल्फा 1/√5 आएगा। जो आप लोग 45 मतलब 1/√2 लिखे होंगे तो वही 1/√2 की जगह 5 कर लीजिए, हो जाएगा काम। कल वाले में जहां जहां 1/√2 था तो 2 के प्लेस पर क्या बना लेना है? 5। देखिए भाई जल्दबाजी में, जल्दबाजी करिए लेकिन गलत मत करिए, गलती हो गई थी तो हमने उसको फिर से सुधार किया है। तो आप लोग भी कल वाले क्वेश्चन बना लीजिएगा इस टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें कास थीटा या कास अल्फा लिखे होंगे आप, तो क्या रखना है आपको? 1/√5। और इधर तक देखिए भाई, इधर भी थोड़ा समझ लीजिएगा, इधर वाले में भी तो मिसिंग हो सकता है। ये डिस्टेंस कितना हो गया? ए। एक एंड को मिलाने जो एंगल बना उसको अल्फा और दूसरे एंड को मिलाने जो बना एंगल उसको बीटा। दोनों एंगल यहां संयोग से ऐसे ही रहेगा, सेम ही से देख रहे हैं। तो क्या लिख देंगे? ये ए बाई टू हुआ फ्रंट वाला साइड, ए बाई टू, और ये ए है तो पाइथागोरस से ये निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर, यहां पर ए बाई हो जाएगा। समझ रहे नहीं? ए बाई हो जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा? लगा ही दें क्या पूरा? हाँ लगा लीजिए, नहीं भ्रम रहेगा। लीजिए फिर से लगा दे रहे हैं, आराम से फिर से लगा दे रहे हैं भाई। अब यही है कि वीडियो लेक्चर में भी वो चीज शामिल हो गया है, आप लोग कॉपी में तो बना ही लीजिए। देखिए बस भूल नहीं करना है, स्ट्रेट वायर और लूप पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें भूल जरा सी भी नहीं करना है। ये चीज हल्का से कल ही बता दिए होते आप लोगों को, और देखते हैं ऐसा भी नहीं कि नहीं हम जो लिख दिए रिजिडली जो बताते हैं बीच भूल हो जाते सुधार भी तो कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखिए अच्छे सब लोग, साइड ए है, ये भी साइड ए है, देख रहे नहीं? और करंट कितनी पास कर रही है? आई। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी क्या है? सेमी सर्कुलर पार्ट का सेंटर है, और पी क्या है? स्क्वायर के साइड का मिड पॉइंट है ना। सोल्यूशन देखिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आपको, एक पार्टिकल्स निकाली, चलिए इसी पार्टिकल सीधे वाले पार्टिकल्स निकाल रहे हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 बोल रहे हैं, इसकी वजह से B2, इसकी वजह से B3, और इसकी वजह से आप बताइए B1 और B3 इक्वल होंगे कि नहीं? क्या लिख दें? चलिए लिख दे रहे हैं B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस, यही वेक्टर में भी होगा मैग्नीट्यूड में भी है, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर, इसकी वजह से अंदर, हमेशा इनवर्ड, अंदर की तरफ होगा, सब सम ही कर लीजिए। और B1 और B3 सेम चीजें हैं, ट्वाइस आप B1 कर दे रहे हैं प्लस B2 प्लस B4, B1 B3 इक्वल है, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, समझ गए? अब यहां देखिए इस एंड को मिला रहे हैं हम, लोअर एंड को मिलाने पर जो एंगल बनता है दैट इज अल्फा, और अपर एंड को मिलाने पर जो बनता है बीटा। तो यहां पर ट्वाइस ऑफ B1 लिखना है,
म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई आर, आर करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना है जी ए बाई टू, ए बाई टू, और इन टू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितना नहीं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा स्टेट वायर वाले में साइन होता है ना जी, हाँ साइन होता है तो क्या लिखेंगे साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपके लिए अच्छा लिखे दीजिए भाई, एक हो गया बी टू, बी टू माने लूप वाले को जैसे लिखिए म्यू नॉट बाई टू लिखे कि फोर, टू लिखा जाए फोर सेम ही है तो फोर, म्यू नॉट बाई फोर पूरा होता तो म्यू नॉट बाई टू, और फिर ये पार्ट तुम्हारे बी थ्री वाला डबल कर दिए बी वन में तो हो गया, ये इसकी वजह से देखिए इसकी वजह से ए, ये डिस्टेंस तो ए है आर करो ए कर रहा है वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, और इस एंगल पर अगर थीटा बोल रहे हैं तो यह वाला एंगल थीटा होगा, तो क्या लिख देंगे म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई आर करो ए कर रहा है ब्रैकेट में साइन थीटा और उधर वाला भी एंगल साइन थीटा, ऐसे साफ साफ नोट करिए लिखिए जरा यहां पर ये ए बाई टू ऊपर गया टू से टू फोर हो गया कैंसिल करवा दे रहे हैं म्यू नॉट, ये देखिए वो टू ऊपर जाएगा टू मिलकर फोर हो गया फोर से कैंसिल भी हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई पाई इंटू ए, यहां साइन अल्फा बोलिए साइन अल्फा लिखेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है ए, अब हाइपोटेनस ए बाई रूट फाइव, हाइपोटेनस क्या होगा ऐसे निकाल लीजिए हाइपोटेनस पाइथागोरस से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर होगा कि नहीं, अरे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर और इसका करें तो ए स्क्वायर बाई फोर हो जाए तो फाइव ए स्क्वायर बाई फोर, ए फाइव ए स्क्वायर बाई फोर, इसका मतलब फाइव अंडर रूट फाइव ए बाई टू हो गया, तो ए बाई ए अंडर रूट फाइव बाई टू, टू ऊपर चला जाए ना प्लस साइन ये कितना है बीटा जीरो है तो ये पाप के लिए जीरो हो गया समाप्त, प्लस टू से कैंसिल कर लीजिए म्यू नॉट आई बाई टू ए हो गया, यहां भाई बड़ा सवाल है दोबारा लगा रहे हैं इसलिए बहुत जल्दी जल्दी लिख ले रहे हैं हर स्टेप भी क्लियर हो जा रहा है, टू साइन थीटा हो गया टू से कैंसिल कर देंगे ये टू बच जाएगा केवल साइन थीटा की वैल्यू रखिए, साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब ए बाई टू, अब हाइपोटेनस देखे गए हैं परपेंडिकुलर है ए बाई टू बाई अंडर रूट फाइव ए बाई टू ए ना टू टू अपना कैंसिल हो जाएगा, ये आपने साइन थीटा को लिख लीजिए फटाफट बड़े सवाल है अच्छे सवाल, अब यहां देखिए अब इसमें से कुछ और निपटेगा नहीं एक कट जाएगा, एक कट जाएगा ना तो ये हो गया टू म्यू नॉट आई, टू म्यू नॉट आई बाई अंडर रूट फाइव पाई ए प्लस म्यू नॉट आई बाई टू ए प्लस ये वाला जरा देखिए यहां से भी ए बाई टू कट गया वन बाई अंडर रूट फाइव बचेगा ना म्यू नॉट आई बाई यहां केवल नीचे जो है अंडर रूट फाइव बचेगा ब्रैकेट ए बाई टू, ए बाई टू कट गया तो टू अंडर रूट फाइव इंटू पाई इंटू ए यही आपका फाइनल आंसर नोट कीजिए समझ गए इस पार्ट और इस पार्ट की वजह से सेम होना है बस एंगल निकालने में गलती से हम लोग 45 लिख बैठे थे क्योंकि 45 नहीं होना निकालना पड़ेगा ज्योमेट्री से 45 कब होता है जब सेंटर पर दोनों मिलते तब ना डायगोनल जब इंटरसेक्ट करते तब 45 45 हो जाता 90 बनता है तो आधा आधा 45 हो जाता ज्यादा से ज्यादा पार्ट आप कॉमन ले सकते हैं
म्यू नॉट आई और नीचे पाई इंटू ए बाहर ले सकते हैं, बचा हुआ पार्ट टू बाई अंडर रूट फाइव, पाई नीचे जबरदस्ती किए हैं तो पाई ऊपर चला जाएगा पाई बाई टू, और प्लस म्यू नॉट आई पाई बाई ए वन बाई टू अंडर रूट फाइव, देख रहे हैं। ये आप चाहे इसके साथ ऐड कर लीजिए, इसको आप फोर बाई टू रूट फाइव लिख सकते हैं, फाइव बाई टू रूट फाइव म्यू नॉट आई बाई पाई इंटू ए, पहले और तीसरे को ऐड करिए कितना हो जाएगा फाइव, फाइव बाई टू अंडर रूट फाइव प्लस पाई बाई, आप नीचे से टू कॉमन ही ले लीजिए, म्यू नॉट आई बाई टू पाई ए, अंदर क्या बचा फाइव बाई रूट फाइव, फाइव बाई रूट फाइव मतलब केवल रूट फाइव, और नीचे से टू आपने कम नहीं लिया था प्लस पाई लीजिए, एकदम शुद्ध सटीक सबसे सिंप्लीफाइड आंसर लिखा है, एकदम छोटा छोटा जवाब, नोट करिए इसको। लिख लीजिए फ्लैक्स, चलिए एक साल नाइट वाला क्वेश्चन लगा दीजिए तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा ट्रायंगल वाले में बल्कि गलती नहीं हुआ तो उसमें सही हम लोग एंगल निकाले थे ठीक ठाक। एक क्वेश्चन जरा ये लगा दीजिए साल नाइट का, कल आप लोग जैसे लगा रहे थे तेजी से उस तरह से इसको भी लगा दीजिए। रेडियस आर है, रेडियस आर लेंथ इसकी 10 आर है, यहां से 2 आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी मार्क किया गया है, उसी पर आपको पता करना है करंट और नंबर ऑफ टर्न सब कुछ सामान्य है पहले जैसा है, तो आपको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। जरा इसको लिख दीजिए केवल फार्मूला, प्रयास करिए केवल लिखने, देखिए लिख पाते हैं। हो गया एक लिखिए जरा सब लोग, एकदम पूरे प्रोसेस को फॉलो करके आप लगाएंगे तो हो सकता है टफ लगने लगे, लेकिन एक अच्छी आदत बन गई कि नहीं हमको आंसर लिखना है बस, एनी हाउ सीधे आंसर एक ही बार में लिख देना है। यहां देखिए इधर आंसर लिख दे डायरेक्ट, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो म्यू नॉट कैपिटल एन आई वाई हाँ टू टू होता है, डबल करेंगे तो 20 हो जाएगा ठीक, ब्रैकेट में इधर का एंगल अल्फा इधर का एंगल बीटा, तो जब ऐड करेंगे तो देखिए 2 बाई टू, खाली नंबर लिया करिए 2 बाई इसी की स्क्वायर करके एक ठो बढ़ा लीजिए 4 और एक ठो और 5 हो गया, प्लस इधर बचे कितना बचा है 8 आर, टोटल 10 आर था ना, बाकी कितना बच रहा है 8 आर, केवल नंबर से मतलब है 8 को ऊपर रखिए और उसी की स्क्वायर में एक ठो बढ़ा लीजिए 8 × 64 = 65। अब इससे स्मार्ट इससे तगड़ा आंसर कोई लिख ले तो बताए, आप लोग कलाओ कोई नहीं लिख पाएगा, समझ गए सब लोग, बस एकदम चुटकी भर में जवाब है। तो अब लीजिए अगला सीखा जाए नया चीज, Thank you.
हटा दे रहे हैं पूरा, इरेज कर दें। समझ में आ गया सबके? आया भाई आपके? आइए, मैग्नेटिक फील्ड हिंडलीगा ड्यू टू मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, चार्ज मोशन में हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड टू मूविंग चार्ज कितनी वेलोसिटी चल रहा है? v, चार्ज q, इससे r सेपरेशन पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और वेलोसिटी और इस r सेपरेशन जो लाइन बन रही है इनके बीच में एंगल थीटा है। तो डायरेक्शन जरा पता करिए, डायरेक्शन पता करना हो तो एक पेचकस रूल लगाइए, करंट के डायरेक्शन पेचकस रखना होता है, नहीं करंट है तो वेलोसिटी ऐसे ही, क्योंकि फ्लो रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। घुमाइए किस तरफ जाएगा? अंदर, इनवर्ड डायरेक्शन होगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, कितना होगा उसी बारे में जानकारी लेना है। तो ये देखिए म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये कौन सा है? बायस वर्ड। छोटा सा लेंथ होता था तो डी भी लिखते थे, कंप्लीट लेंथ ले रहे हैं तो डेल्टा एल और यहां पर बी डी। तो आप जरा देखिए करंट की डेफिनेशन क्या है। करंट की डेफिनेशन होती है फ्लो रेट ऑफ चार्ज, फ्लो रेट ऑफ मतलब चार्ज बाय टाइम इंटरवल कर दे रहे हैं। और लेंथ मैकेनिक्स के हिसाब से लेंथ क्या होता है? लेंथ होता है स्पीड इंटू टाइम, चलेगा? इन दोनों को देखिए आई और डेल्टा एल का यहां पर प्रोडक्ट चाहिए। आई इंटू डेल्टा एल करेंगे तो क्या आ जाएगा? आई और इंटू डेल्टा एल, आई इंटू डेल्टा एल जब करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा, क्यू भी आ जाएगा। कितना सही सिस्टमेटिक हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं। माने बायोसोवेट ला करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए है, यहां सचमुच में कोई तार और नहीं है, बस केवल चार्ज दौड़ रहा है। तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं? आई के प्लेस पर चार्ज रख ले रहे हैं, डेल्टा एल प्लेस पर वही वेलोसिटी रख ले रहे हैं। ये निकाले हैं रूल से, आई डेल्टा एल प्लेस पर क्यू भी आएगा, है कि नहीं? तो रख दीजिए, ये फाइनल रिजल्ट आपके लिए कन्वर्ट हुआ म्यू नॉट बाई फोर पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। ऐसे नोट करें, जो आई डेल्टा एल कहते थे वहीं पर क्यू भी कह देना आप, क्यू भी। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं आप, वेक्टर फॉर्म। तो ऊपर बताइए, इधर माली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इधर वेक्टर क्वांटिटी क्यू है, चार्ज नहीं, वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी है। तो लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट कराएंगे, वो भी क्रॉस वाला तत्व तो साइन आएगा, तो मजबूरी में हम लोग आर ले रहे हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं? और जरा ऑप्शन वाइज कराने अलग बना लीजिए, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखें, वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई क्यू को बाहर ही रखिए, अच्छा ये बताइए ये क्रॉस मार्क अंदर की तरफ निशान कब आएगा? जब V क्रॉस R करें कि R क्रॉस V करें? V क्रॉस R, क्योंकि ट्रिक क्या है, पहले वेक्टर के डायरेक्शन हाथ फैलाना होता है, दूसरी तरफ कर्ल करना होता है। जब अब कर्ल करें मुट्ठी बांध लेता अंगूठा बचेगा, वही डायरेक्शन बताएगा। तो V क्रॉस R करें तो अंगूठा किधर जा रहा है? अब अंदर तरफ होना भी सही। अब गलती से अगर R क्रॉस V करें तो R तरफ फैलाई, V की तरफ मोड़ी, तब अंगूठा किधर? यानी R क्रॉस V होगा कि V क्रॉस R? इतने में सर्टेनिटी फिक्सिंग आ गई कि यानी V क्रॉस R लिखना होगा साइन कराने के लिए ना, हाँ नहीं तो गड़बड़ा जाएगा होगा। तो क्यू बाहर और यहां लिख दे रहे हैं V
और क्रॉस आर का कैप बाई आर का क्यूब, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। लेकिन आर के ऊपर टोपी पहनाना होगा कैप। अगर आर के ऊपर भी वेक्टर लिखना चाहते हैं तो कैप मतलब होता है वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड, तब इसको हो जाएगा। देखिए अब ध्यान देना है, रुक जाइए भैया, यहाँ स्क्वायर ही रहेगी, यहाँ स्क्वायर है। अब ध्यान देना होगा फार्मूला कैप के रूप में आ रहा है कि एग्जैक्ट वेक्टर के रूप में। कैप के रूप में आएगा तो आर स्क्वायर ही रहेगा। अगर आप वेक्टर लगा दे रहे हैं, एरो लगा रहे हैं, तब इस कैप की मीनिंग जरा एक्सप्लोर करिए। क्या होता है वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड क्रॉस, अब मैग्नीट्यूड माने एक आर नीचे आ जाए आर का क्यूब, समझ गए? दोनों सही है। अगर v क्रॉस r का कैप रहेगा नीचे r स्क्वायर लिखना है, और v क्रॉस वेक्टर r का ना तो नीचे r का क्यूब कर देना, बाकी मैग्नीट्यूड वाला तो देख रहे हैं साथ साथ। अगर थीटा जीरो हो जाता बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? जीरो। थीटा जीरो मतलब समझते हैं कि जैसे चार्ज इधर चल रहा है इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन आर भी हो, यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो हम तो बताए थे जिस तरफ करंट चलती है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, या वायर के सरफेस पर नहीं होता है। तो वैसे चार्ज इधर चल रहा है जिधर मूड बनाया चलने का उसी डायरेक्शन में नहीं होगा। चलिए ये सब चीजें हो गई हैं, समाप्त हुई। कुछ और अच्छी चीजें सीखना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जैसे सिलेंडर की वजह से क्या होगा, कोई मोटी सी पाइप हो, अब पाइप हालो भी हो सकती है सॉलिड भी। हाँ सॉलिड हो जाएगा तो उसको पाइप नहीं कहेंगे, तब सॉलिड सिलेंडर ही बोलेंगे। जैसे कोई साफ्ट हो, साफ्टीन मोटी सी राड मोटी सी, उसमें करंट पास करें, डीसी करंट पास करती है, अंदर भी पास करती है और बाहर भी पास करती है, थ्रू आउट द इंटायर सेक्शन, पूरे सेक्शन से गुजरती है। जबकि अल्टरनेटिंग करंट की क्या खासियत है, अल्टरनेटिंग करंट केवल और केवल बाहर सरफेस पास करती है। जैसे हम लोग हड्डी अंदर है, बोन्स अंदर है ना, बाहर क्या है इसके, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट का नाम उसके फ्लो के बेसिस पर एक नाम और है एसी का, स्किन करंट। कौन सा करंट? स्किन करंट कोई कहता है तो आप कहीं एसी की बात हो रही है, एसी की स्किन करंट बोलते हैं उसको, केवल सरफेस पे ही पास करते हैं। और डीसी अंदर भी हर जगह से थ्रू आउट द इंटायर वाल। यहां तो हो गया है। अच्छा अब और चीजों को सीखने के लिए थोड़ा सा रूल में चेंजिंग करने की जरूरत है, मॉडिफाई करने की जरूरत है, नए लेवल पर काम करना है हम लोगों को। एम्पियर का सर्कुलर लॉ सीखना है, ए सी एल डालिए। एम्पियर सर्कुलर लॉ, शॉर्ट में ACL कहते हैं। एम्पियर एक बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट थे। और एम्पियर के बारे में लोग तब जान पाए उनकी महानता को जब वो दुनिया से चले गए तब। और बड़ी अजीब हालत है इस दुनिया की, बड़ा दुख होता है बताते हुए कि एम्पियर जी ग्रेट साइंटिस्ट थे, पूरे दुनिया के लिए तोहफा दे गए, और इनकी डेथ प्रॉपरली ठीक ढंग से भोजन पानी न मिलने की वजह से होती है, ठीक ढंग से भोजन पानी न मिलने की वजह से गरीबी हालत में होती है इनकी डेथ। एम्पियर जी, एम्पियर जी ऐसे साइंटिस्ट थे जो पेज को लाइन में कन्वर्ट कराते थे, एक पेज का जो मैटर लिखने पर आएगा उसको एक लाइन धीरे से बाएं हाथ से लिख दीजिए काम, एक लाइन की जान लीजिए। आप लोग डेरिवेशन फिलहाल नहीं देखे हैं, स्ट्रेट वायर का डेरिवेशन कम से कम दो पेज से ढाई पेज का होता है,
जो आपने स्ट्रेट वायर का हमने बता दिया, आपने फट से याद कर लिया कि देखिए भैया करंट का फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला होता है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो, ऊपर आकाश तक गया है, नीचे एकदम पाताल तक, देख रहे हैं इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, आर सेपरेशन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या फार्मूला, म्यू नॉट बाई इंटू आई बाई, आप लोग याद कर लिए अच्छी बात है, लेकिन प्रॉपर डेरिवेशन हमने नहीं दिखाया, डेरिवेशन कोई मतलब भी नहीं है, हाल तुम परेशान होते आप, काम इसी से करना है। डेरिवेशन इसका विश्वास मानिए कम से कम ढाई पेज का है, डेढ़ से दो पेज तक जनरल रिजल्ट आता है साइन वाला, फिर स्पेशलाइज करना पड़ता है इन्फिनिटी के लिए अल्फा भी 90 और बीटा भी 90, 90 90 रख करके तभी फाइनल रिजल्ट आता है ये वाला। तो दो से ढाई पेज के मैटर को मात्र दो लाइन में न सॉल्व करा दे तो कहीं, अब इसका डेरिवेशन हम दिखा देंगे, अभी तक नहीं दिखाए थे, लेकिन जैसे ही एसीएल आप सीखेंगे तुरंत इसका डेरिवेशन ले लीजिए, बड़े बड़े क्वेश्चन का एकदम चुटकियों में जवाब है। तो चलिए एम्पियर सर्किट ला के आए, थोड़ा सा ये बड़े साइंटिस्ट थे, इनकी बातें लोग कम समझ पाते थे, जैसे एक अच्छे साइंटिस्ट थे गैलीलियो, गैलीलियो कम बोलने की वजह से अपनी बातों को एक्सप्लोर कम कर पाते थे, समझा कम पाते थे, न्यूटन थोड़ा ज्यादा बोलने बतियाने वाले आदमी थे, अपनी बातों को सबको समझा ले जाते थे, न्यूटन आइजक न्यूटन जी वो समझा ले जाते थे, सबके मन में एकदम छाए हुए थे न्यूटन जी, सबका हालचाल लेते रहते थे, सबका दुख दर्द पूछते रहते थे, लोग उनको ज्यादा पसंद करते थे। और गैलीलियो भी इधर लैकोनिक पर्सन, लैकोनिक पर्सनालिटी था, लैकोनिक मतलब कम किंतु ठोस बोलने वाला, 100 सुनार की और एक हमारी, है ना, इसको कहते हैं लैकोनिक, लैकोनिक पर्सनालिटी थी, कम किंतु ठोस बोलने वाला, 100 सुनार की तो वही था कि गैलीलियो इनर्सिया को बताए, इनर्सिया लोगों को समझ में नहीं आया, न्यूटन जी उसको बढ़िया से एक्सप्लोर कर दिए, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी और चल रही चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। वैसे एम्पियर जी थे भाई, एम्पियर की बातें बाद में लोगों को याद आई, थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म दिए थे इसलिए लोगों को तकलीफ होता था, है ना, जैसे गाना कौन सा बढ़िया लगता है, गाना जैसे भोजपुरी वाला बढ़िया गाना लगेगा कि फिल्मी वाला बढ़िया लगेगा, कि गाना संस्कृत में आ जाए संस्कृत वाला गाना बढ़िया लगेगा, संस्कृत वाला तो कोई सुनना भी नहीं चाहेगा, है कि नहीं, पता लगा सुनेंगे दो चार वर्ड याद हो गया, मुंह से बोलना पड़ा मुंह टेढ़ा हो गया, इससे समस्या होगी ना, जुबान उसी में लपटा गई पूरी, तब भाषा है कि नहीं। लोग कौन सा रामायण पढ़ना चाहते हैं, वाल्मीकि का रामायण पढ़ना चाहते हैं, तुलसीदास वाला, तुलसीदास वाला पढ़ना चाहते हैं, वो गे छंद में उसको गाया जा सकता है, ढोल मजीरे के साथ एकदम म्यूजिकल टोन में उसका आनंद लिया जा सकता है, उस पर होली वाला धुन भी बजा सकते हैं और अपना फिल्मी वाला धुन भी उसी पर सेट कर सकते हैं गाने पर, है कि नहीं। रामायण का मनन करना चाहिए, म्यूजिकल टोन के साथ वादन की चीज नहीं है, क्योंकि रामचंद्र के जीवन की घटनाएं हैं उसमें, है कि नहीं। जैसे आप बताइए कितनी शर्म की बात है अगर किसी के किसी के बारे में कुछ जैसे अनहोनी कोई घटना हो गई है या किसी कोई जलील कर रहा है इंसल्ट कर रहा है और उसको बाहर प्रचार किया जाए, शर्म लगेगा कि नहीं, बोलिए। आप रिक्शे से आ रहे थे, पता लगा पैसा नहीं दिए, रिक्शे वाला आपको कहा कि उतर जाओ हमारे रिक्शे पर से, एक पड़ा उतार दिए, है ना, वास्तव में आपके पास पर्स गिर गया था, पैसा नहीं था, परेशान थे आप, अच्छा ये बात आप दो ही लोग जान रहे थे, तब तक कोई ऐसे क्लिप बना लिया, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था और ले शेयर कर दिया उसको, अरे रिक्शा वाला इनको दो ही पड़ाका मारा, है ना, कान इनका सुन्न हो गया था, एक बार कान खींच के एकदम बड़ा सा हो गया, और लोगों के सामने कहेंगे तो उसको और शर्मिंदगी और दुख महसूस होगा कि नहीं। वही दो लोग रहेंगे शेयर करने वाले तब तो भाई बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा, बहुत ज्यादा इंसल्ट ही नहीं, जब उसका जन्म प्रचार करेंगे तब तो दुख होगा। रामायण में वही चीजें हैं, रामचंद्र जी के बहुत सुखों का वर्णन नहीं है, पूरे जीवन काल में उनके दुखों का ही वर्णन है, कि बाल्यकाल में फिर कैसे राक्षसों से लड़ाई लड़े, फिर कैसे अरण्य कांड में कैसे वन में निकल गए, फिर लंका कांड में कैसे सीता जी का हरण हुआ, तमाम दिक्कतें उन सामनाओं का भी वर्णन किया गया है। अब उसको आप ढोल मजीरे के साथ बजा कर करें करें रावण आया सीता को हर ले गया ऐसे ले गया, पूरा आप गा बजा कर उसका प्रचार करेंगे, अगर आप मानते हैं भगवान को तो उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं कि नहीं,
वो तो मनन करने की चीज है, मनन करिए, भावुक हो जाइए, इमोशनल हो जाइए, आपकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे, इतने कष्ट में भगवान का जीवन व्यतीत हुआ, तब तो आप उनके साथ हीलिंग कर रहे हैं, नहीं तो उसको म्यूजिकल टोन में गा बजा करके ऐसे प्रचार कर रहे हैं आप, वही माइक लगा कर, है ना, गाने बजाने वाले लोग पता लगा पान खाए हैं, गुटखा खाए हैं, बीच में मिठाई खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सब खुश हैं, उनके उनके दुखों के सब खुशियां बांट रहे हैं, उनको तकलीफ होती होगी कि नहीं, सचमुच आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो रामायण का पाठ शोर शराबे के साथ नहीं पढ़ना है, तो मनन करिए उसको, मनन करना है कि नहीं, मानसिक अध्ययन करना है। चलिए फिलहाल ये बातें बहुत कम जमेंगी लोगों को, है ना, कम ये मन में बैठेंगी, समझ तो गए ही होंगे आप लोग कि भाई उनके दुखों को वर्णन अगर आप ही तक सीमित रहेगा तो आपको, आप उनके साथ सहानुभूति शेयर कर रहे हैं, सिंपैथी जता रहे हैं, अगर गाड इस तरह कोई सत्ता कंट्रोलिंग पावर है तो आपके साथ भी सिंपैथी जताएगी कि भाई आप उनके साथ जुड़े हुए तो वो भी आपके साथ कनेक्टिविटी शो करेंगे, लेकिन जब प्रचार करेंगे तब तो उनको कष्ट होगा अगर मानते हैं तो, इस तरह की बात। हाँ, एम्पियर जी बड़े फार्मूले को कन्वर्ट किया विद इन अ सिंगल लाइन, एक एक लाइन, और थोड़ा सा मैथमेटिकल था, कठिन था, मैथमेटिकल चीजें कठिन होती है। हम आपको इंटीग्रेशन के बारे में हल्की जानकारी दे रहे हैं, ये टेढ़ा वाला साइन, एक टेढ़ा वाला साइन है तो इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल, रेखीय समाकलन, दो है तो सरफेस इंटीग्रल, पृष्ठीय समाकलन, अब कहीं तीन हो गया तब वॉल्यूम इंटीग्रल, देख रहे हैं, सिंगल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, ये तो गिन करके सिंगल डबल ट्रिपल बोल रहे हैं, मीनिंग के बेसिस में कहना हो तो लाइन इंटीग्रल नाम है इसका, इसका नाम सरफेस इंटीग्रल, बदलते जा रहे हैं हम बदलते जा रहे हैं, इसका नाम वॉल्यूम इंटीग्रल है कि नहीं, ये कौन सा इंटीग्रल है, लाइन, ये सरफेस और ये वॉल्यूम, हम तुरंत इसे गियर चेंज करते जाते हैं, जैसे एक बार लाइन गए तो फिर आपको लाइन करने की जरूरत नहीं, अगला वाला बल्कि बोल दिया करिए, तो ये तीन तरह के इंटीग्रल है। अब इसको समेटना हो ऐसे दिखाइए, ऐसे नीचे एल लिख देंगे तब वो समझा जाएगा लाइन इंटीग्रल, और एक का इंटीग्रल मान लीजिए दूध खींचने में स्याही खर्च हो जा रही है, तो एक का खींचिए नीचे एस लिख दीजिए, तीन बार ऐसे लगी की तरह बना रहे हैं, हाथ टेढ़ा हो जा रहा है, उसी में उंगली मुड़ जा रही है, एक कई बार टेढ़ा बनाई नीचे भी लिख, समझ गए, ये सब तरीका है। अब कभी कभार नीचे लिखने में एरर हो गया तो हम लोग तो चलाक हैं, ओवर समझदार हैं, बाद में जो लेटर आप लिख रहे हैं उसके पड़ोस वाला साइन देख लेंगे, डीएल लिखे हैं तब इसका मतलब लाइन इंटीग्रल होगा, टेढ़ा वाला साइन मान लीजिए लेटर कोई ए है, डीएस, अच्छा एरिया की बात है, तब इसका मतलब ये इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल रहा, कहीं से एरर होगा तो कहीं से पकड़ में आ ही जाएगा, है कि नहीं, वो पकड़ में जरूर आ जाएगा, सिंगल इंटीग्रल रहेगा, लेटर लिखने के बाद डीवी लिख दे, डीवी माने स्मॉल वाला, तो माने वॉल्यूम इंटीग्रल, सही तरीका, नीचे आप लेटर लगाते चले ज्यादा क्लियरिटी, नीचे लगाना भूल गए तो सामने वाले किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर डीआर लिख दे, डीआर माने डिस्टेंस, अच्छा वही लाइन की तरह लाइन इंटीग्रल, समझ पा रहे नहीं, डीएक्स लिख दें, डीएक्स माने डिस्टेंस की तरह तो लाइन इंटीग्रल, मान लीजिए इंटीग्रल एक लगाए कोई लेटर ई था, फिर हमने लिख दिया डीएक्स इंटू डीवाई, डीएक्स डीवाई माने एरिया हो गया ना, कौन सा इंटीग्रल हो गया, पहचाने कई उपाय हैं जहां से आपका दिमाग काम कर जाए। चलिए ज्यादा बढ़िया, कम दिमाग खर्च करने वाला, सिंगल डबल ट्रिपल ऐसे गिनती गिन लीजिए, एक दो तीन इंटीग्रल, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, नीचे उसके लेटर लिख दिया जाए, एल लिख दिया जाए, एस लिख दिया जाए और वी लिखा जाए, तो लाइन इंटीग्रल के बारे में उन्होंने बताया है, ध्यान दीजिएगा हम बता रहे हैं, जैसे कहा जाए ये कौन सा इंटीग्रल है, लाइन की सरफेस, अब बीच में अगर कहीं से राउंडिंग कर दी तो इसको कहते हैं क्लोज लूप, क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ, तो इसका मतलब बी नहीं, बी डॉट डीएल लिखने का मतलब ये है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जैसे ये क्या लिख रहे हैं, बी डॉट डीएस, बोलिए इसको सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या लिख रहे हैं, पढ़ना सीख लीजिए, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हैं,
बोलना सीखे टोन, ये नहीं कहेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, ना लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बस इतना ही, क्योंकि लाइन इंटीग्रल लिखने में ये टेढ़ा वाला साइन लास्ट में डीएल तो पक्का दिखेगा, इसको क्या बोलेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक, बोलना समझ आ रहा है। तो उन्होंने यह इसी बारे में बताया, इसी बारे में कि बी डॉट डीएल कितना होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्या होता है हम बता दीजिए, काम बन जाए, कितना होता है म्यू नॉट, बस इसी बात को कह दीजिए, कितना सस्ता रूल, एकदम कम, एकदम कैप्सूल मेथड है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट इनटू आई, आधी लाइन का तो है, यही एम्पियर कला है, लिखा जाए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप, अराउंड एनी क्लोज लूप इज गिवन बाय म्यू नॉट टाइम्स म्यू नॉट ऑफ नेट करंट, फ्लोइंग थ्रू द लूप, इसी बात को लिख डालिए, फार्मूला तो आपको पता ही होगा, क्या लिखेंगे ये टेढ़ा वाला साइन बीच में लूप, नीचे लगा दें, इसका मतलब लाइन इंटीग्रल बी डॉट क्या डीएल, और कितना होता है आई, कौन सी करंट है लूप से फ्लो करने वाली, टोटल करंट, जैसे केबल है, केबल केबल में कई तार गया है, दो तार, दोनों तार में जो ओवरऑल करंट फ्लो करेगी वो उसका मतलब है। मोटी सी केबल है, जैसे डीटीएच वाला केबल देखें, डीटीएच वाले में एक तो पतला से बीच में वायर होता है, तो किनारे किनारे जालीदार वायर होता है, ओवरऑल दोनों में जो नेट करंट पास करेगी उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, है ना। कई कई केबल होते हैं जिसमें आठ आठ दस दस तार होते हैं, पतले पतले, जैसे आपका जो ईयरफोन होता है उसमें कम कितने वायर होते हैं, पतले पतले कितने वायर होते हैं, केवल दो नहीं, दो होता है इस ईयरफोन के लिए, है ना, दो होता है इस ईयरफोन के लिए चार, और दो होता है जो माइक रिसीवर होता है उसके लिए, चार दो छह वायर होते हैं, अच्छा में से हो सकता है चार ही हो, क्योंकि इस ईयरफोन के लिए इस ईयरफोन का आपस में एक कनेक्शन हो, लेकिन रिसीव करने के लिए भी चाहिए, यानी मिनिमम फोर वायर मैक्सिमम सिक्स वायर होते हैं। अब होता कितना से पतला से ऐसे सिलिंड्रिकल होता है वायर, ऐसे होता है नहीं, पतला से काला सा, अब उसको जब कट करेंगे, कैंचिस कट करेंगे तो उसमें क्रॉस सेक्शन देखें, पतले पतले कई वायर होते हैं, छह वायर हवा, तो उसमें क्या इतना आश्चर्यजनक जाने जाने खोने की बात क्या है, कोई एस्टोनिशन की बात नहीं है। अरे पतला से एक वायर जो बल्ब जलाने के लिए जो लाल पीला वायर गया है, इसमें एक तार को काटेंगे तो कई वायर है, दस बारह ठो रहता है नहीं, पतला से फाइन एकदम बाल की तरह पतले पतले वायर, उसमें भी उसी तरह के वायर होते हैं, बस हर एक वायर पर पेंटिंग की जाती है, तो वायर पास पास सटे तो होते हैं लेकिन एक्चुअल उनके बीच में कोई साल्टिंग नहीं होती है, पेंटिंग किया जाता है ना, और इसमें तो पेंटिंग नहीं करते हैं, एक पर प्लास्टिक लेयर चढ़ा देते हैं यही है इसका एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन ऑफ एसीएल, एम्पियर सर्कुटर लॉ का एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लंबा कोई तार हो, यानी जो फार्मूला पढ़े उसी की डेरिवेशन एक दो लाइन में करके दिखा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
लॉन्ग सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर। ए भाई करंट कैरिंग रहेगा, करंट समय पास करता रहेगा तभी। अब सेंटेंस बड़ा होने की वजह से नहीं लिख रहे हैं, लेकिन सब में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग, माने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर, है ना। करंट समय पास करेंगे तभी निकालेंगे इस बात में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कौन सिलेंडर, सॉलिड, सॉलिड सिलेंडर। एक ठोर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सीट ऑफ वायर्स। पांच एप्लीकेशन इसका भी देखिए। बायोसेवर्ट का पांच एप्लीकेशन आप लोगों ने देखा था, लूप, स्ट्रेट वायर, सोलेनोइड, टोराइड और एक ठो भी इरेस नहीं किए हैं, मूविंग चार्ज, है ना। पांच चीज का भी देख लीजिए। हटा दे रहे हैं पूरा। ये भाई थोड़ा सा एसीएल फार्मूला तो लिखा गया, लेकिन अभी एग्जांपल एक आध हल्का वाला समझ ले तब एप्लीकेशन पर आते हैं। लीजिए जैसे ये कोई सेक्शन हमने मार्क किया है, इसमें कई वायर गए हैं, एक वायर यहां गया है, एक वायर यहां गया है, एक वायर यहां गया है, तीन वायर गए, और तीनों में करंट अलग अलग, किसी में I1 करंट बाहर आ रही है, किसी में I2 करंट अंदर जा रही है, किसी में I3 करंट बाहर आ रही है ना। जैसे जब वायरिंग वायरिंग किया जाता है घर में, तो उसमें कलर की वजह से सब पहचानते हैं कौन सा फैन के लिए जा रहा है, कौन से एसी के लिए जा रहा है, कलर वाइज सब पहचानते हैं, इसलिए कलरफुल वायर इस्तेमाल किए जाते हैं। वायरमैन होते हैं कलर का अपना ध्यान रखते हैं, है ना, ग्रीन वाला किसके लिए, ये वाला किसके लिए, न्यूट्रल कौन है, न्यूट्रल वाला एक कॉमन कर देंगे, बाकी अपना वायरिंग करते हैं उसी हिसाब से कलरफुल वायर लेके आते हैं। हाँ, तो यहां पर हम दिखा रहे हैं कि देखिए भाई इसमें करंट पास करे I1, किधर, बाहर, इसमें करंट पास करे I2, किधर, अंदर, इसमें करंट पास करे I3, किधर, चलिए बाहर, ये आपके लिए I3, ऐसे लूप बना दिए, इसी लूप के अंदर तीन करंट ऐसे जा रहे हैं। अब यहां पर ACL हम लगाने वाले हैं, ACL आपको सिखाना चाह रहे हैं, तो पहले एक तो DL सेलेक्ट करिए, इसी लूप पर एक छोटा सा पार्ट है ऐसे सेलेक्ट करिए, क्या है ये स्मॉल लेंथ DL, अगर सर्किल बनाया है तो DL की इंटीग्रेशन 2πr हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो यहां पर ACL लगाने वाले हैं, बाई ACL बोलिए लाइन इंटीग्रल बी, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड माने बी डॉट डीएल, क्या लिखे इधर राइट हैंड में, म्यू नॉट आई, आई कौन सा, हाँ आई वन और आई टू अंदर है, माइनस आई टू प्लस, सबके समझ में आ गया,
चलिए तब तो अच्छी बात है, तब हमें बोलने की जरूरत नहीं, न समझ में आता कुछ मेहनत करते। दूसरा एग्जाम्पल, I1 बाहर है, I2 अंदर है, I3 फिर बाहर। अरे फर्क क्या रह गया, वही तो फिर वही बन गया जी। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा DL आप सेलेक्ट कर रहे हैं, DL आप बताइए, आप ACL लगाइए क्या आ जाएगा, बाई ACL एम्पियर सर्किट अल्लाह। बी डॉट डीएल हम लेफ्ट वाला लिख के बैठ रहे हैं, बोलिए क्या होगा। दोनों एग्जाम्पल में कॉमन लोगों के लिए कोई फर्क नहीं है, आई वन बाहर आई टू अंदर आई थ्री बाहर, आई वन बाहर आई टू अंदर आई थ्री बाहर, सेम टाइप का है कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा हमने वेरिएशन किया है डीएल के सिलेक्शन में, डीएल का सिलेक्शन में एंटी क्लॉक वाइज सिलेक्ट किया था, डीएल यहां पर सिलेक्ट किया लेकिन क्लॉक वाइज, इसी की वजह से पूरा फेर बदल फेर हो जा रहा है, पूरा चेंजिंग आ रहा है। म्यू नॉट और आई, आई लिख रहा है माइनस आई वन प्लस आई टू माइनस। जो लोग अब तक इस धारणा में, इस गलत सोच में पड़े हुए थे कि बाहर वाली करंट को पॉजिटिव, आई वन आई थ्री बाहर है पॉजिटिव, अंदर वाले को निगेटिव, अपना दिमाग एकदम वहां से हटा ले, ऐसा कुछ हम कर ही नहीं रहे, समझ पा रहे नहीं। डॉट वाले को पॉजिटिव, क्रॉस वाले को नेगेटिव ये मत सोचिएगा, क्योंकि जस्ट आपका बदल जा रहा जवाब। यहां पर डॉट वाले आई वन आई थ्री को माइनस कर, यहां पर प्लस कर, तो इसका मतलब अंदर और बाहर को लेकर के साइन नहीं डिसाइड किया जा रहा है, कुछ नया यहां पर कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट है करंट किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना है, तो यहां पर आई ये पॉजिटिव लिया जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, दाहिने हाथ को घुमाइए, दाहिने हाथ को घुमाइए, जिधर डीएल है उसी तरफ टर्न करके पूरा मुट्ठी बांध लीजिए, अंगूठा किधर जा रहा है, और जो अंगूठे सपोर्ट करेगा उसको पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, अंगूठा किधर जा रहा है बाहर के अंदर, तो बाहर वाले पॉजिटिव आई वन आई थ्री पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, समझ गए। दाहिने हाथ को घुमाइए, डीएल को घुमाइए, डीएल को घुमाइए और मुट्ठी बांध दीजिए, अंगूठा किधर गया, जो अंगूठे सपोर्ट करेगा वो पॉजिटिव, अंदर वाले पॉजिटिव आई टू पॉजिटिव बाकी दुनिया नेगेटिव, समझ पाए। यहां पर कैसे पॉजिटिव लेते हैं, आर एच सी आर से, राइट हैंड कर्ल रूल, दाहिने हाथ की घुमा वाला नहीं, पॉजिटिव फॉर आर एच सी आर, राइट हैंड कर्ल रूल ना। समझ गया कि नहीं, करंट बाहर पॉजिटिव या अंदर पॉजिटिव इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलना है, अंगुलियों को मोड़ लेना है, अंगूठा जिधर बचे उस डायरेक्शन फ्लो करने वाली करंट पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाला नेगेटिव। अच्छा मान लीजिए एकाक करंट यहां भी फ्लो कर, इधर देखिए, चलिए जरा बताइए, ये आई वन है, ये बाहर आई टू है, ये आई थ्री है, यहां बाहर डॉट में आई फोर है, बोलिए ऐसे डीएल सिलेक्शन किए, बोलिए क्या लिखेंगे आप, बोले फार्मूला बोले फट से, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू क्या लिखे, म्यू नॉट इनटू आई वन और माइनस, और भी कुछ लिखना है, क्योंकि सेंटेंस को आ गया फ्लोइंग थ्रू द लूप, लूप के अंदर जो फ्लो करी वही, बाहर की दुनियादारी जैसे गास थ्योरम में छोड़ देते, तो वैसे यहां भी बाहर वाली करंट I4 I2 कोई मतलब नहीं। अब इसी में अपना साइन देख लीजिए, डीएल का डायरेक्शन मोड़िए, मोड़ेगी तो अंगूठा किधर पे जा रहा है, तो बाहर वाला पॉजिटिव I1 पॉजिटिव I3 नेगेटिव, सही है, समझ गए कि नहीं। बहुत लोग खाली वही रूल पढ़ के छोड़ देते हैं, तुमको मजा नहीं आता, क्वेश्चन पकड़ नहीं बन पाती, आपको हम पूरा एक एक चीज सिखा दे रहे हैं, पूरी बारीकी समझ लीजिए, रूल कठिन हो मैथमेटिकल उससे मतलब नहीं, वही मैथमेटिकल चीज दो बार तीन बार बोल दीजिए, टूटी फूटी भाषा में कह दीजिए तो आपका हो गया पूरा तैयार। बात है बातों की फ्रीक्वेंसी का,
कितनी बार आप बातें दोहरा लेते हैं, मन ही मन या बोल करके कैसे आप दोहरा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक बार में आप सुनेंगे तो हो सकता है टफ लगे, वही बात दोबारा बोल दीजिए, दोबारा सुनने का मौका मिलेगा, फिर थोड़ा आसान, थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे, उसे परिचित हो जाएंगे, अरे हाँ ये तो वर्ड सुना सुना लगता है, ये तो वर्ड हमने पढ़ा था, है ना। तो दो तीन बार जहां कह दें तब वो वर्ड ही पूरा आपका हो जाए, पूरा कमांड हो जाएगा उस वर्ड पर आपका। जैसे आप जर्नी कर रहे हैं यहां से वाराणसी के लिए, बनारस जा रहे हैं, और वहां पर ग्रीन बोर्ड पर लिखा गया है वेलकम टू होली सिटी वाराणसी, पौराणिक नगरी या पवित्र नगरी वाराणसी में आपका स्वागत है, ऐसे लिखा गया, कृपया पुनः पधारें ना। अब आप उस ग्रीन बोर्ड के मैटर को पढ़ रहे हैं, बस में, मूविंग बस में, फास्ट मूविंग कार में आप बैठे हुए, एक बार में पूरा मैटर तो नहीं पढ़ सकते, जबकि आंख के सामने पूरा मैटर है, लेकिन आंख की स्कैनिंग ब्रेन फ्रिक्वेंसी उतनी तेज नहीं है कि एक ही बार पूरा आप ग्रेप्स कर ले, थोड़ा सा पढ़े कि वाराणसी नगरी, तब तक पता लगा बस आगे बढ़े, है ना। कुछ तो वर्ड पौराणिक में वही पौराणिक कहना शुरू कर दीजिए, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, कुछ समस्या आ रही, लेकिन जब उसी रास्ते से दो बार गए, फिर एक दो वर्ड और पढ़ लिए, तीन बार गए, कहे ओहो पौराणिक नगरी वाराणसी में आपका स्वागत है, कृपया पुनः पधारे, तो पूरा पढ़ लिए मैटर, एक बार में पढ़ पाए, एक बार में नहीं समझ पाए, दोबारा फिर तिबारा, फिर उसी में फिर सीखते हुए चले गए। इसीलिए रिविजन की जरूरत पड़ती है, एक बार में अचानक किसी चीज 100% ग्रैप से नहीं हो पाती। सबसे बड़े जो दार्शनिक माने गए हैं अपने इंडियन फिलॉसफी में वो विवेकानंद जी हैं। विवेकानंद जी ने बोला कि किसी चीज को कम से कम 3 बार कहना चाहिए, तब बाकी की जनता जन सामान्य उस बात से अवेयर हो पाते हैं, बाकी समझ ही नहीं पाते क्या हो रहा है। जैसे आप लोग अपना आपस में से सुन तो रहे हैं, बॉडली प्रेजेंट है, लेकिन कभी कभार हल्का सा लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और जगह ध्यान चला जाता है, मच्छर काट लिए सोच रहे हैं कि हल्का सर इधर करते तो एक पड़ाका इसको लगा देते, मतलब कुछ और भी प्लान अंदर अंदर चल रहा है ना। तो उस समय कॉन्सेंट्रेशन आपका लूज है, फिजिकली आप प्रेजेंट है, दिख रहे हैं, हाँ पूरा 50-60 किलो शरीर लेकर उपस्थित है यहाँ, है ना। तो वही विवेकानंद जी ने बोला भाई कि किसी बात कही 3 बार कही, तो तीसरी बार में ज्यादातर सोए हुए लोग भी जग जाते हैं। जैसे हम कहें कहो जलेबी, जलेबी खाएंगे, अरे जलेबी गर्मा गर्म है, तो हो सकता है तीसरी बार सुन समझ रहे नहीं, एक बार में नहीं सुन पाते, एक बार में जलेबी सोचेंगे नहीं जलेबी क्लास में नहीं, जलेबी यहाँ नहीं हो सकता, फिर दोबारा कहें तिबारा कहें तो कहें नहीं सपना नहीं देखना सर बोल रहे सही बात है, जलेबी की बात हो रही। और इस समय भारतीय दौड़ती दुनिया में लोग इस कोलाहलपूर्ण वातावरण में जी रहे हैं, इस समय पढ़ाई के लिए स्पेशली हमारी तरफ से आपको सख्त हिदायत है, एक अच्छी सलाह है कि आप चीजों को 10 बार अगर पढ़ लेते हैं, कितनी बार 10 टाइम पढ़ लेते हैं तो वो 100% आपका हो जाए। एक बार में रैपिडली दौड़ते हुए पढ़ते हैं तो 10% उसमें से ग्रैप्स कर लेते हैं, बिना मन के पढ़ते हैं तब भी 10% वो चीजें आपकी हो जाती हैं। तो 100% उसको अपनाना कई बार पढ़ना पड़ेगा, 10 बार पढ़ लीजिए, यही नहीं 10 बार पढ़ लीजिए क्यों नहीं याद हो, आई इंटेग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, किसी की हिम्मत है कोई भूल जाए, किसी की हिम्मत भूल जाए बताए, भूल जाएगा इंटेग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई कहां भूल पाए, चर्चा 10 बार पढ़ दीजिए याद होगी। चलिए आइए ऐप नंबर 1, बातें कौन से हम लोग भूलते हैं, विच वी वांट टू फॉरगेट, जिसको हम भूलना चाहते हैं वो भूल जाते हैं। जैसे दवाई खाना कड़वा लगता है तो कुछ लोग बहाना करते हैं कि किसी तरह से न बच जाता, अभी खाना खा लेते फिर धीरे धीरे खर्राटा लेने लगते, कुछ कहता है दवाई खा लीजिए, सिरप नहीं पिए हैं खांसी वाला, निमकौड़ उमकौड़ मान लीजिए पीस करके पिलाया जाए आपको, है ना, अच्छी रहता रहता पिलाया जाए तो पीने की इच्छा करेगी, तो कहेंगे अच्छा रख दीजिए अभी पीते हैं, पता रहा रख दिए, फिर कहेंगे अच्छा उतरते समय धीरे से पैर से धीरे ठोकर मार देना है, मैंने भूलना चाह रहे हैं उसको आप, इसलिए दवा नहीं खाएंगे आप,
बड़ी समस्या होती है ना। दवा खाने के बाद अजीब से एकदम हरकत करने लगते हैं, पूरा दौड़ना शुरू कर देते हैं, एकदम आप उछलना शुरू कर देते हैं, बड़ी मेहनत होती है दवा खाने के बाद। ऐसी दवा क्यों खाना चाहेंगे, तो उसको भूलने चाहेंगे लोग, है ना। फैगेटिंग में बताया गया है कि फैगेटिंग एक लेसन था, भूलना, भूलने वाली जो बीमारी है वो किसको भूलते हैं, जिसको हम भूलना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग घर से बाहर आते समय फैन चला के चले आए हैं, तो बाहर पहुंचे तो पता नहीं पंखा चलत रहा है बंद, तब बाद में याद करेंगे। ऐसे लूज कॉन्सेंट्रेशन साथ बहुत होता है, तो ऐसा कॉन्सेंट्रेशन वो अपचार है, ढाल है अपने आप को, तब ऐसा भूल हो जा रही। बाकी ब्रेन आपका बलिष्ठ है, मजबूत है, एकदम एक एक फाइन चीज को आप याद रख सकते हैं। और क्या, जिसको आप चाहेंगे भूलना उसे भूलेंगे, नहीं चाहेंगे थोड़ी भूल पाएंगे। अच्छी चीजें जो आपके लिए फायदेमंद है, जैसे कहाँ पर जैसे फुल्की में कहाँ चटनी डाल के बढ़िया वाला देता है, कहाँ सालक से मर्चा खिलाता है, या फुल्की खाते समय प्याज जरूर डालता है, जितना मन चाहे उतना प्याज डालवा खाई, उस ठेले वाले कभी भूल पाएंगे, नहीं भूल पाएंगे। तो आपको याद रहेगा, जो आप मनपसंद जो कम अच्छा इच्छा रहेगी, जिसको आप नहीं चाहते तो उसको भूल जाएंगे धीरे से। पढ़ाई के लिए तो भाई आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ये बिटर स्वीट है, कैसी मिठाई है, बीटर माने कड़वा, कड़वा मिठाई, करेले के सीरम डुबोक बनाया गया है, लेकिन करेले वाली मिठाई है, बाद फायदा करेगी। लीजिए पहला एप्लीकेशन, हेडिंग डाल दे रहे हैं, लॉन्ग स्ट्रेट। हमने कहा देखिए हमारी बात में दम है कि नहीं, कहीं बात से मुकरते तो नहीं। हमने कहा पेज टू लाइन कन्वर्टर है, हालांकि इसका एक्चुअल डेरिवेशन ढाई पेज का होता, हमने दिखाया नहीं, लेकिन आप भरोसा है ढाई पेज का रहा होगा, हम ढाई लाइन में दिखाना चाह रहे हैं। इधर आइए, ये स्ट्रेट वायर है, कितनी करंट पास करेगी, आई। इससे आर सेपरेशन पर आपकी जिद है, मैग्नेटिक फील्ड एस्टिमेट करने वाले। अब मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं तो पहला काम इसको क्लोज लूप से पास कराई करें, तो यहां पर सिमेट्रिकल क्लोज लूप बनाने के लिए हम लोग क्या सेलेक्ट कर ले रहे हैं, सर्कल। क्या सेलेक्ट कर ले रहे हैं, इसी वायर के चारों तरफ सर्कल सेलेक्ट कर ले, इसलिए फ्लैट मोड में दिखा रहे हैं, फ्लैट। ये चलिए, हाँ अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें एक छोटा सा पार्ट ही सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ये कितना है जी डीएल, तो लगाइए एसीएल इंटेग्रल बी डॉट डीएल, यही तो इक्वल टू क्या, म्यू नॉट लूप से करंट पास कितनी कर रही है, आई, एक कई तार है पूरी करंट आई, आई लिख दीजिए, क्या दिक्कत, ये डॉट ओपन होता है तो क्या आता है काश, तो बी डीएल और काश आप चेक करिए मैग्नेटिक फील्ड इस जहां पर डीएल सेलेक्ट करें वहां पर किधर होगा, तो पेचकस रूल लगा ये ऐसे होगा, जिधर डीएल घूम रहा है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, अगर डीएल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल कितना, जीरो, आप लिख दीजिएगा थीटा जीरो, सही पूछे तो हर बार थीटा जीरो ही होगा ही। चलिए बी डीएल काश जीरो इक्वल टू कितना, म्यू नॉट इनटू आई, आप समझदार हैं बड़े हो गए हैं, अब आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताइए हमें, इंटीग्रल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बाहर लीजिए, तो डीएल का मतलब क्या, छोटा सा पार्ट, और ये पार्ट कहां सेलेक्ट किया गया है, रेडियस पर सेलेक्ट किया गया है, सर्कमफेरेंस पर, सर्कमफेरेंस पर इसके बॉर्डर पर सेलेक्ट किया गया है, अगर इंटीग्रेट कर दें तब पूरे होल सोल के बारे में जानकारी मिल जाएगी, पूरा ये सर्कमफेरेंस आ जाए, अभी तो छोटा सा पार्ट है आर की तरह है, पूरा पार्ट आ जाएगा नहीं इंटीग्रेशन, तो अच्छा वो लोग कहेंगे डीएल की इंटीग्रल एल होता है, जिनको कम जानकारी है, जो मैथमेटिक्स वाला एक्स लाइन पढ़ के बैठे डीएक्स की इंटीग्रल एक्स, वैसे डीएल की इंटीग्रल एल, यहां पर चित्र दिखाकर फिगर के माध्यम से आपको समझा रहे हैं डीएल क्या, छोटा सा पार्ट, और ये टेढ़ा वाला साइन क्या करता है, पूरे के बारे में जानकारी देता है, छोटी चीज है तो उसको बड़ा बना देता है, अंगूर है तो उसको तरबूजा बना सकता है, इंटीग्रेशन नहीं, ये है इंटीग्रल मैजिकल अप्रोच। डीएल का इंटीग्रल क्या होगा जी,
बोलिए 2 पाई, भाई सरकमफेरेंस माने 2 पाई यार, इक्वल टू म्यू नॉट इनटू, हमें देखिए भाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए क्या आया 2 पाई आर से डिवीजन। थोड़ा सिस्टम से रिदमिक वे में लयबद्ध तरीके से लिखिए, 2 पाई यहां पहुंचा दीजिए, आ रहा समझ में आया, अच्छा लगा। अब भाई हमारी लाइन एक लाइन देख रहे हैं, ये यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक एक लाइन है कि नहीं, इतना बड़ा हम इतना बड़ा लाइन नहीं लिए, बार बार असिस्ट पर चेंज करनी है, एक डेढ़ लाइन का तो है, एक लाइन बड़ी सी है कि नहीं हमारी, कहीं तो एक लाइन में दिखा दें, एक लाइन दिखा दें। ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ मैथमेटिकल इक्वेशन से कंट्रोल होते हैं, कब स्ट्रेट लाइन होगा, कब सर्किल बनेगा, कब कटोरे की तरह मुंह खुलेगा, पैराबोला होगा, सब इक्वेशन से समझे जाते हैं। जैसे एक्स और वाई का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दो लेटर का प्रोडक्ट कांस्टेंट तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाना बहुत सस्ता है, एकदम आसान है, मार्केट वैल्यू इसकी 1 रुपये है, बनाए हम कहीं तो बाएं हाथ से बना दे, बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड से बनाने चला है, एक बार खाली ग्राफ पेपर की तरफ देखने दीजिए, एक बार पेन रखवा ले, बस बनाए फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहे हैं, सेकंड बना दे, आप लोग तरफ देख रहे हैं इधर कर्व बन रहा है, थर्ड बनाए, कहिए तो फोर्थ बना दे, अरे समझ गए हम क्या करना है, एक्सिस के पैरेलल ले आना और दूसरे एक्सिस पैरेलल भेज देना है, बस यही काम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। चलिए यहां भी देखिए वही हाल है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और का डिस्टेंस आप प्लॉटिंग कर रहे हैं, बी और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो देखिए बी को किस एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हैं, एक्स की वाई, वाई एक्सिस पर, इसको अपने समझने के लिए अपनी सुविधा के लिए थोड़ी देर के लिए वाई बोल दीजिए, चलिए वाई बोल दिया, और बाकी दुनियादारी को कांस्टेंट बोल दीजिए, बाकी दुनियादारी चलिए कांस्टेंट है, और नीचे क्या है आर, आर को किस एक्सिस प्लॉट किया, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स बोल दीजिए, बाकी म्यू नॉट बाई 2 पाई आई सबको के बोल दिया है। अब बताइए दोनों को प्रोडक्ट देखिए, एक्स और इंटू वाई के टर्म का आ गया, बोलिए तो कैसा कर बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला माने दूं सस्ता फिगर, बस एक्सिस में टच मत कराइएगा, पैरल ले आई पैरल भेज दीजिए, पैरल से कर दीजिए लास्ट। अच्छा नाम अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, खाली जगह क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कौन सा बोला, हाइपरबोला, दूसरा एप्लीकेशन ऐप नंबर 2, लंबी प्रणालिका हो, लॉन्ग सोलेनोइड हो, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए सोलेनोइड, इसके ऊपर वाइंडिंग किया गया, तार को लपेटे गए, तार का लिपटा हुआ रूप थोड़ा सा क्लियर कम होता है, पॉइंट वगैरह देखने में असुविधा होती है, हम नए स्टाइल में इसकी बाइंडिंग कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ये ऐसे यहां तार निकल रहा है और यहां तार जा रहा है, फिर बोर्ड पीछे पीछे इधर निकलेगा फिर इधर जाएगा, देख रहे हैं नहीं, यही सीन है, यहां पर ऐसे डार्ट कर दे रहे हैं, डार्ट माने तार करंट बाहर और यहां पर ऐसे क्रॉस, अब तो समझ गए हूं, बना लीजिए ना फटाफट, करंट की मार्किंग ऐसे कर दे रहे हैं अच्छे से,
ऊपर सब क्रॉस क्रॉस है। इस बार खूब अच्छे से तैयार करिए, टेस्ट के लिए एकदम तैयार रहिए। और जिसका फिजिक्स में ज्यादा सही होगा है ना, तो उसको हम मौका देंगे यहां पर बोर्ड पर आकर के प्रॉब्लम सॉल्व करने का। समझ पा रहे नहीं? और लोग पूछेंगे यहां ये वाला क्वेश्चन बता दिए, तो आपको बताना पड़ेगा, बोर्ड पर बता दीजिएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं, हम आपको चेक कर रहे हैं कि आपने सही किया है, टुक्का लगा किया है। आपको भी नहीं आएगा तो हम मदद कर देंगे। समझ रहे नहीं? फिर प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, बोर्ड पे आकर बताइए हाँ ये वाला देखिए तीसरे की ये है, तीसरे कैसे लगाएंगे, तीसरे की ये ठीक है, बताते चलिए। तैयार रहेंगे? चैलेंज एक्सेप्ट है? हाँ, बोर्ड पर आकर के जिसका फिजिक्स में ज्यादा सही रहेगा। चलिए, हाँ जिसे पता लग जाए भाई आप कहीं टुक्का मार के तो नहीं ला रहे हैं, है ना, कि लक बाई चांस वाला तो नहीं हो रहा है, कि किसी तरह से आ जा रहा है। अच्छा, ऐसा भी है कि भाई टुक्का मार के भी आया जा सकता है, लेकिन टुक्का मार के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं गेन किए जा सकते, क्योंकि गलत होने की संभावना 75% होती है। और अगर बोर्ड पे आने के बाद आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम मदद कर देंगे, हम भी बता देंगे, चलिए कोई बात नहीं, चल देखिए हम बता रहे हैं इसको। सब लोग अपना अपना तैयार करके आएंगे, मैथ वाले भी, बायो वाले भी, टीजीटी वाले, पीजीटी वाले भी। कम से कम 10-10, 15-15 मिनट को मौका देंगे ना। चलिए देखिए, करंट बाहर आ रही है और इसमें अंदर, इसमें बाहर, इसमें अंदर, इसमें बाहर, इसमें अंदर, ये सीन है पूरा, इस तरह से इसे करंट चल रही है। कितने टर्न्स हैं, कितने टर्न्स हैं, कैपिटल एन टर्न्स। कितनी लेंथ है, एल है। एन क्या है, एन है, पहले देखिए करंट कितनी है, करंट कितनी पास कर रही जी, आई। नंबर ऑफ टर्न्स टोटल कितने हैं, कैपिटल एन, लेकिन यूनिट लेंथ में, पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, स्मॉल एन ना। दो चीजें दी है, क्योंकि स्मॉल एन और आई के फॉर्म में ही से फॉर्मूला लिखा जाता है। तो हमने क्या किया, ए यहां पर एक लूप सेलेक्ट कर लिया, और लूप कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं देख रहे हैं, स्क्वायर, कैसा लूप है ये, स्क्वायर लूप। और इसकी साइड कितनी सपोज कर लें, चलिए साइड इसकी यल सपोज कर ले रहे हैं, यल, ये स्क्वायर लूप सेलेक्ट किया। अब सचमुच में एसीएल का एप्लीकेशन देख लीजिए, बहुत मजा आएगा इसको डील करने में, बाकी लोग तो नहीं जानते हैं। आप समझिए एसीएल का बेहतरीन एप्लीकेशन। हे यहां पर एक पॉइंट ले लिया एक्सिस पर, एक्सिस पे तो निकालते थे हम लोग, सोलेनोइड के एक्सिस निकाला जाता था, यहां पर हमने पॉइंट लिया। तो बताइए इस लूप की वजह से, इस करंट की वजह से जो करंट पास कर रही, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, चेक करिए, ऐसे पेचकस रख लें बाहर की तरफ और अंगूठा घुमाइए, घुमाइए इधर, इधर माने मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, इधर तरफ होगा, बोलिए। चलिए, और ये जो करंट जा रही है अंदर, इसकी वजह से भी, ये भी तो उत्तरदायी है यहां पर, ये भी जवाब दे है यहां पर डेवलप करने के, तो यहां पर पेचकस रखिए और ऐसे मैक्सवेल वाला रूल, अंगूठा फैला लीजिए, घुमाए घुमाइए ऐसे, ये भी इधर आ रहा है नहीं, यानी कुल मिलाकर के इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगा, समझ गए।
बाहर जरा आई चली है, यहां पर अगर कोई पॉइंट होता तब बताइए। इस वायर की वजह से जिसमें डार्ट से मार्किंग किए हैं, इसमें करंट बाहर आ रही, इस फलक पर, इस पृष्ठ पर जो वायर लाई करें, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड घुमाई किस तरफ, बाहर होगा, बाहर मतलब राइट साइड ना, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। ये किसकी वजह से, इस लूप के अंदर ये वाला जो पोर्शन पड़ रहा है, और जो ऊपर वाले जो क्रॉस वाले से दिखाए गए हैं, ये जो वायर में करंट जा रही है अंदर तरफ, वो भी यहां पर डेवलप करेगा। चेक करिए पचके शुरू लगा के ऐसे अंगूठा फैलाए घुमाए किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड, समझ पा रहे हैं? तो लेफ्ट साइड वाला मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड वाले को, एक बड़ी जानकारी इससे भी हाथ लगी है कि सालिनायड में, सालिनायड के अंदर अगर पॉइंट है तो वहां तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं। समझ गए? कोई पूछे सालिनायड में कहां मैग्नेटिक फील्ड होता है, सालिनायड के अंदर कि बाहर? अंदर होता है, ये पहले हम लोग जानकारी नहीं थी, पहले तो हेडिंग डिस्कस ही नहीं किया गया था, मन में भावना रही होगी, हो सकता बाहर भी हो, सर बता नहीं रहे हैं। आप समझ गए कि नहीं? जो भी मैग्नेटिक फील्ड होना कहां होना है, केवल और केवल इनसाइड, बाहर तरफ नहीं हो। फिर देख लीजिए, जैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करना है, इस वाले फलक की वजह से पेचकस लगाए, ऐसे घुमाते 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 इधर जाएगा नहीं, इधर तरफ चला गया। इस वाले वायर की वजह से करंट अंदर जा रही है, इसकी वजह से ऐसे इधर तरफ, ये वाला मैनेज कर गया। समझ गए? यानी मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल कहां होना है, अंदर के बाहर? अंदर। अब बताइए, इस पर एक छोटा सा पार्ट सेलेक्ट कर ले रहे हैं, छोटा सा पोर्शन, अब क्या बोल दे रहे हैं इसको, डीएल। कोई देख के बताए डीएल और बी के बीच में एंगल कितना है, जीरो, सेम डायरेक्शन है कि नहीं? अच्छा, इस पोर्शन पर अगर डीएल सेलेक्ट करते हैं आप, इस पोर्शन पर डीएल मान लीजिए इधर सेलेक्ट करेंगे इधर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बी और डीएल बीच में एंगल कितना है, इससे मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटीग्रल है वो समाप्त हो जाएगा। इस पोर्शन पर, इस साइड पर अगर आप मैग्नेटिक डीएल सेलेक्ट करते हैं, चाहे नीचे सेलेक्ट करें चाहे ऊपर, तो ये भी एंगल कितना बना रहा है, 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये डीएल आप इधर सेलेक्ट कर रहे हैं, ना तो इससे इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल मिलेगा, ना तो इससे मिलेगा, नीचे वाले से क्यों नहीं मिलेगा, बी नहीं कि डीएल नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है यहां पर, इस पोर्शन के लिए बी भी था डीएल भी था, लेकिन एंगल 90 होने की वजह से गायब हुआ। समझ पा रहे हैं? तो यानी डीएल का किस पोर्शन की वजह से मिलेगा, केवल जो ये सालिनायड के अंदर पार्ट पड़ रहा है। समझ गए कि नहीं? ये बड़ी ऊंची बात है। अब कोई पूछे डीएल का इंटीग्रल क्या होगा, तो डीएल का इंटीग्रल देखिए भैया 4L भी हो सकता था टोटल लेंथ, लेकिन क्या मतलब है डीएल का लेंथ 4L क्यों लिखेंगे भाई, आपके लिए इंपॉर्टेंट केवल एक ही साइड ना है, तो डीएल का इंटीग्रल क्या हो जाएगा यहां पर, एल हो जाएगा। अगर हर साइड से मिलता तब क्या लिखते हैं डीएल का इंटीग्रल, 4L, दो साइड से मिलता था 2L, माने इंटरवल तैयार रही भाई, ऐसा कर सकते हैं, कोई रट्टू वाली बात नहीं है। डीएल का इंटीग्रल अगर सर्कल पर सेलेक्ट किए बॉर्डर पर तो 2πr। समझ रहे नहीं? फिलहाल यहां पर डीएल का इंटीग्रल क्या लिखने वाले हैं आप, एल लिखने वाले। अब थोड़ी सी यहां पर ध्यान ये देना है, जैसे गन्ना वाली मशीन देखें, जैसे गन्ना जो पेरता है, एक गन्ने की जितनी थिकनेस, जितनी मोटाई है, उतना अगले की भी, उतना अगले की भी, सबके सेम है। एक गन्ना लगाएंगे तब ज्यादा रस मिलेगा कि दो लगाएंगे तब, दो लगाइए तीन लगाइए, है ना? सभी वायर में करंट आई ही पास कर रही है, निकल के इधर अंदर जा रही है, आई ही निकल रही है, लेकिन जितने वायर हैं अब उतनी करंट मानी जाएगी, केवल एक आई नहीं माना जाएगा, जैसे गिनती के हिसाब से एक दो तीन चार 4i करंट पास करें, तो ऐसे उंगली रख कर कैसे काउंटिंग नहीं करना है आपके, यहां पर कांसेप्ट लगाना है, क्या कांसेप्ट, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो इतने में कितनी लेंथ आएगी, इतने में कितनी लेंथ आएगी, n इंटू एल, एन इंटू पूरी सर इसमें कितने टर्न आएंगे, टर्न फेरे, n इंटू एल। भाई ये देखिए स्मॉल एन क्या होता है, कैपिटल एन बाई एल होता है,
तो टोटल नंबर ऑफ टर्न ये है, ये तो यूनिट लेंथ में टर्न है, हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न की जरूरत है। टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाए, एन इंटू एन। एक टर्न में कितनी करंट आई, चार टर्न में कितनी करंट फोर आई, फाइव टर्न में कितनी करंट फाइव आई, तो एन टर्न में कितनी करंट एन आई, एन आई मतलब स्मॉल एन स्मॉल एल इंटू आई। कोई पूछे कितनी करंट पास करे स्क्वायर रूप से, क्या बोलेंगे आप, केवल आई नहीं स्मॉल एन स्मॉल एल और इंटू आई, एन एल आई एम्पियर करंट पास करेगी, समझ रहे नहीं। वायर के रिपीटेशन को जैसे करंट के अमाउंट बढ़ गया लूप में, वही वायर कई बार ऐसे सर्कुलेट करके आ रहा है ना, और सेम डायरेक्शन में, इसलिए सब बढ़ता चला जा रहा है। फिगर बना लीजिए फट से, फिगर बनाइए। तो क्या लिख दें, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल माने बी डीएल का जीरो इक्वल टू क्या लिख दें, म्यू नॉट इनटू का जीरो को एलू। अब बी बाहर लीजिए इंटीग्रल डीएल, बोले इक्वल टू म्यू नॉट। अब आई कितना लिख देंगे, आई एन एल इंटू आई, आई का रोल अभी कर रहा है। और डीएल इंटीग्रल क्या होगा जी, खाली एल एन होगा, यही बातचीत हुआ था, चलिए एक साइड है उसी से मिलेगा। तो इधर म्यू नॉट एन एल आई, एल का निपटारा हुआ क्या है मैग्नेटिक, अरे यकीन नहीं हो रहा इतनी जल्दी आ जाएगा, नोट करिए इसको। दिस विद रिक्वायर्ड, इसका ग्राफ देखिए, एंड पर आधा हो जाता है, सेंटर पर लगभग वही रहता है। आर है मैग्नेटिक फील्ड, और सही पूछे तो इसमें आर का नाम ही नहीं, यानी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, काफी हद तक वही रहता है, जस्ट आधा हो जाता है, जस्ट हाफ से आधा वाले मार्किंग कर दे रहे हैं, किनारों पर आधा होता है, ये भी देखा गया था। समझ गए भाई, डेरिवेशन आसान लगा कि नहीं, ये दो ये तीन स्टेप में आया कि नहीं फट से, हमेशा थीटा की वैल्यू जीरो रहा करेगी। अगला एप्लीकेशन क्या है जी, अगला कौन सा, हालो सिलेंडर है, अब ये बड़ी हेडिंग हो गई। जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही सीखे थे, लेकिन जब स्फीयर पर चार्ज आ गया था, चार्ज स्फीयर, तो उसमें तीन हेडिंग सीखा गया था, आउटसाइड सरफेस और इनसाइड। उसी तरह यहां भी तीन हेडिंग, मोटा सा सिलेंडर है, सिलेंडर के बाहर, सिलेंडर के सरफेस पर और सिलेंडर के अंदर, तीन पॉइंट डिस्कस करना है। पहला केस, आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर, मैथमेटिकल मीनिंग, अगर कैपिटल आर सिलेंडर की रेडियस है तो हमें स्मॉल आर डिस्टेंस चाहिए, माने उससे भी ज्यादा, स्मॉल आर उस पॉइंट की डिस्टेंस। कितनी करंट पास करे सिलेंडर में, आई, यानी कोई मेटेलिक पाइप है उसमें करंट पास करे,
इसकी अपनी रेडियस कितनी है जी, कैपिटल आर। और कितनी डिस्टेंस में निकालने वाले हैं आप, स्मॉल आर डिस्टेंस यहां पर निकालने वाले हैं मैग्नेटिक। ये पॉइंट कहां पड़ रहा है, सरफेस पर कि बाहर, बाहर। अब बाहर पड़ रहा है आउटसाइड, तो एक लूप कवर करिए, पहले क्लोज करिए ऐसे। और देखिए इसमें कितना अच्छा बना रहे हैं फिगर, लग भी रहा है खां चारों तरफ से घेरे हुए है कि नहीं। ये वाला पोर्शन भाई अंदर पीछे पड़ जा रहा, नहीं दिखा पा रहे। ये सर्कल हमने बना लिया, स्मॉल आर को रेडियस सपोज करके एक सर्कल बना लिया क्लोज लूप डीएम। तो थीटा हमेशा आप जीरो लिया करेंगे, क्या लिख दें, बी डॉट डीएल लिखते हैं ना, इंटीग्रल बी डॉट डीएल। और इधर क्या लिख दें, म्यू नॉट इनटू आई। इस बड़े वाले लूप के अंदर कितनी करंट पास कर रही, आई कि बड़े वाले लूप के अंदर पूरा सिलेंडर लाई करा, पूरे सिलेंडर में आई बह ही रहा है, कुछ यहां से कुछ यहां से कुछ चौतरफा अपना चारों तरफ बह रहा होगा, फिलहाल आई ही तो है टोटल। और यहां पे का जीरो होगा तो वन हो जाएगा, सब कुछ हटाइए, बी को बाहर लीजिए, इंटीग्रल डीएल क्या गया। और डीएल की इंटीग्रल क्या होगा जी, टू पाई, बार बार देखिए यही रिजल्ट आएगा, टू पाई आर। तो क्या गया बी की वैल्यू, म्यू नॉट बाई टू पाई इंटू आई बाई, एकदम सिमिलर रिजल्ट मिल रहा है जैसे आप एक बार पढ़ चुके हैं, किसके लिए, स्ट्रेट वायर के लिए, इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए जो आता था वही सिलेंडर की वजह से गया है। दूसरा केस, केस सेकेंड, एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर सिलेंडर के सरफेस पर, यानी मैथमेटिकल मीनिंग स्मॉल आर इक्वल टू, थोड़ा सा देखिए गलत लिख दी नोटेशन, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर ज्यादा है, स्मॉल आर बड़ा है जी, कैपिटल आर इतनी, जरा नोटेशन ब्रैकेट में सुधार लीजिए। चलिए हाँ, इसमें इससे फार्मूला कैपिटल आर आप प्लेस करा दीजिए, काम बन जाएगा, म्यू नॉट बाई टू पाई इंटू आई बाई कैपिटल आर। दूसरे वाले के लिए प्रयास नहीं करना है, केवल स्मॉल आर प्लेस पर कैपिटल आर रख दीजिए, बस हो गया काम। तीसरा केस, केस थर्ड, इनसाइड द सिलेंडर सिलेंडर के अंदर, यानी स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो, रेडियस से कम, ये बताइए डीसी करंट है, बैटरी वाली करंट तो कहां फ्लो करेगी, जहां मटेरियल होगा। अब हालो आपने सिलेंडर लिया तो मटेरियल कहां है, अंदर है बाहर है, बाहर पाइप है, पाइप में भरने है मटेरियल लोहा, अंदर तो स्पेस है, पूरा हाथ आप डाल सकते हैं। करंट यहां पास कर रही आई, यहां पास कर रही आई, लेकिन आप जिद किए कि हमको इस सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसकी एक्सिस बना दिया, ये क्या है जी, इसकी अपनी रेडियस और ये स्मॉल आर डिस्टेंस। मान लीजिए आप लूप अंदर बना ही ले रहे हैं, कोई फायदा थोड़ी मिलेगा, ये डीएल है, अंदर की तरफ क्या नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, रीजन समझिए, क्योंकि करंट इसके लूप के अंदर तो है ही नहीं। जैसे हालो स्फीयर होता था, मेटल वाला सेल होता था, तो चार्ज जो देते सरफेस पर आ जाता था, अंदर चार्ज ही नहीं होता तो गॉस थ्योरम लगाते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो नहीं होता था। फिलहाल नहीं होगा निकाल लीजिए ना, हमें क्या, 21 सेकंड की बात है,
अब लगा ही लिए हैं तो अब क्या, बी डॉट डी एल, इंटीग्रल बी डॉट क्या लिख दें, म्यू नॉट इनटू आई, लेकिन आई कितना है, इस लूप के अंदर कोई करंट पास कर रही है, बस। और इधर खूब समझदारी दिखा रहे हैं, बी को बाहर ले रहे हैं, इंटीग्रल डी एल लिख रहे हैं, इधर जीरो ही है, तो क्या मतलब है जी, फालतू में पेन खर्च कर रहे हैं, तो बी इक्वल टू भी तो जीरो ही आया, बोलिए। मैग्नेटिक फील्ड न होने का बेसिक काज क्या है, मुख्य कारण अंदर करंट नहीं है, समझ गए। तो हालो सिलेंडर रहेगा तो कहां होगा मैग्नेटिक फील्ड, बाहर, और कहां होगा, सरफेस पर, अंदर नहीं होगा। एक्सिस पर बताइए, आई एक्सिस भी तो अंदर ही पड़ रहा है, कौन सी नहीं बात है, अंदर भी नहीं, कहीं नहीं होगा। ग्राफ इसका प्लॉट करिए, इसका ग्राफ मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस साथ, आर है, यहां देखिए कैपिटल आर का मतलब समझते हैं, बढ़ते बढ़ते कैपिटल आर पाए, कैपिटल माने कहां, सरफेस के बाहर, और यहां बताइए ये हाथ हमारा कहां है, बाहर के अंदर, ये बताइए कहां है, ये बताइए कहां है, सेंटर नहीं, एक्सिस, सेंटर नहीं, एक्सिस बोलना है, क्या बोलना है, चलिए तो बताइए सरफेस पर मिलता है कि नहीं जी, डॉटेड बनाइएगा, हाँ इतना मिलता है, इतना मिलता है, जो जैसे डॉट लगाए हैं डार्क गाढ़ा वाला, इतना बाहर मिलता है कि नहीं, बाहर माने पहला केस मिलता है, लेकिन आर जब बढ़ाएंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, इसका मतलब कर्व ऐसे डाउन होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, ऐसे अंदर मिलता है कि नहीं, नहीं मिलता, छोड़ दें बस इतना, यही पूरा कर्व, इसके इधर मिलता ही नहीं, अगर दिखाने की इच्छा है इसी लाइन को रिपीट कर दीजिए, यहां मैग्नेटिक फील्ड है ही, मेन कर्व यही बना लीजिए, और वो भी कैसे वेरी कर रहा है, बी प्रोपोर्शनल बाई आर से, कौन सा कर्व बनेगा मैथमेटिकली, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, नोट करिए इसको। अगला एप्लीकेशन, सॉलिड सिलेंडर रहेगा, पहला केस एकदम सिमिलर, दूसरा केस एकदम हूबहू मैच करता है, पहले दूसरे में कोई वेरिएशन नहीं, पहला केस हमने लिख दिया, सॉलिड रहेगा, थोड़ा मटेरियल यहां भी दिखा दीजिए ना, ऐसे मार्किंग कर लीजिए, पता लगे यहां पूरा मटेरियल भरा है सॉलिड, बस। दूसरा केस, दूसरा केस कहां भाई, एट द सरफेस, मैथमेटिकल मीनिंग स्मॉल आर इक्वल टू, तो जरा रखिए, क्या रखें, इसी में रख दीजिए ना, इसी में फार्मूला बन जाएगा फट से, फिर से एसीएल लगाने की जरूरत नहीं, म्यू नॉट बाई टू पाई आई बाई कैपिटल आर, देख रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि आर बढ़ेगा तो बी घटेगा, कौन सा आर बढ़ेगा, स्मॉल आर बढ़ेगा, बढ़ने घटने वाला स्मॉल आर है, कैपिटल आर तो उसका सिलेंडर की रेडियस है ना, ये कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल, और ये वेरिएबल है, लिख भी दीजिए नहीं संदेह होगा, इसलिए उसी पॉइंट के जस्ट ऊपर डायरेक्ट कर एक जगह मार्किंग करते हैं इसके लिए, सरफेस वाले के लिए। तीसरे केस में दम है, यही दमदार है, दम है, इसका मतलब दमदार, लीजिए इनसाइड द सिलेंडर, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अब इसमें मटेरियल के अंदर आ गए, आप सिलेंडर के अंदर, Thank you.
ये देखिए, ये रेडियस कितनी है जी, कैपिटल आर, अंदर आ गया। बताइए इस लूप के अंदर करंट फ्लो करे, करंट कुछ फ्लो करेगी कि नहीं, इस लूप के अंदर कुछ करंट आएगी कि नहीं, अंदर मटेरियल है कि नहीं। अब मटेरियल है तो अंदर भी करंट करेगी, अंदर फ्लो करेगी। चलिए अब वही बताना है आपको कि जो करंट फ्लो करेगी वो आई फ्लो करेगी कि आई बाई टू, बोले आई फ्लो करेगी कि आई बाई टू, आई बाई टू नहीं, बस इतना मोटी मोटा बता सकते हैं आई से कम। आई तो पूरे सिलेंडर में से फ्लो कर रही, जैसे कोई मोटी पाइप हो पानी ऐसे दे रहा है ना, अब उसी में छोटी सी टुल्लू पंप वाली पाइप ऐसे बीच में लगा दिए तो टुल्लू पंप वाली पाइप में भी पानी आने लगेगा नहीं, कितना पानी आ रहा, पूरे मोटे वाले पाइप का पानी आ रहा है कि कम पानी आ रहा। तो वही उसी तरह से जो छोटा सा मार्किंग की इससे भी करंट कुछ ना कुछ पास करेगी, लेकिन कितनी करंट होगी, आई की लेस देन आई। अब उसी लेस देन आई की डिटरमिनेशन करना है, उसी की वैल्यू एस्टिमेट करना है कि कितनी करंट इससे पास कर रही। तो यहां पर लिखने की स्टाइल वही रहेगी आज भी, या पहले करंट निकाल लीजिए, लेट करंट पासिंग थ्रू द लूप, कौन सा लूप जो हम लोग सेलेक्ट किए, सेलेक्टेड लूप बी आई का डैश, देन करंट कितनी है आई का डैश। तो करंट बाई एरिया, करंट बाई यह होता है करंट डेंसिटी जे, देन करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जरा लिखिए। तो करंट डेंसिटी हमने बताया था करंट पर यूनिट एरिया होता है, क्या फार्मूला, करंट बाई एरिया, करंट बाई एरिया जे इक्वल टू करंट, टोटल करंट कितनी है आई, टोटल एरिया कितना है पाई इंटू आर का स्क्वायर, इसके अंदर कितनी करंट पास कर रही है, अभी आपने सेंटेंस सपोज किया आई का डैश, इस छोटे लूप का एरिया कितना है पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, बस इन दोनों को मदद लीजिए, जे को छोड़िए, इन दोनों को मदद लें तो पाई पाई कैंसिल हुआ, आई डैश कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इज मल्टीप्लीकेशन, आई डैश कितना स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर और इंटू आई, ऐसा होगा। ये आपने आई निकाल लिया, बहुत बड़ा काम किया कि लूप के अंदर कितनी करंट पास करेगी ये जानना बहुत जरूरी था, लूप के अंदर से कितनी करंट पास करेगी स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई। देखिए अब एसी लगाइए तो बाई ACL एम्पियर सर्कुटला से, बोले बी डॉट डीएल क्या लिख देंगे, म्यू डॉट इनटू आई, आई लिखें का आई डैश, इस फिगर के लिए आई डैश, बोले तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें बार बार इसको डायरेक्ट लिख देना, एक लाइन लिखिए, इसको डायरेक्ट लिखते रहे बी और इंटू टू पाई आर लिख दें फट से, अब सॉल्व करने पर यही तो आता है b इंटू टू पाई आर, इधर बताइए म्यू नॉट आई डैश मतलब आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर और इंटू आई, चलेगा क्या कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, एक आर की पावर इधर पूरा पूरा आर, तो मैग्नेटिक फील्ड का फाइनल रिजल्ट आपके लिए सेट हो गया कितना, म्यू नॉट इधर टू पाई नीचे लीजिए बाई टू पाई आई इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर।
देख रहे हैं कितना अच्छा रिजल्ट मिला है, इसमें स्मॉल आर भी आ गया। हालो आलम क्या कहानी थी, हालो आलम इनसाइड द सिलेंडर, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता था, यहां होता है नॉन जीरो, म्यू नॉट बाई टू पाई आई इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। चलिए अच्छा, इसी में और स्पेशल एट द एक्सिस, एक्सिस मतलब क्या जीरो, स्मॉल आर जीरो, यही एक्सिस से आर डिस्टेंस पे लेते हैं हम लोग, एक्सिस मतलब यही स्मॉल आर भी गायब हो जाए, यही भी आ जाए, तो इसमें स्मॉल आर जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। ये बात है, अब बताइए हालो सिलेंडर है, हालो खोखली पाइप है, उसमें करंट पास कर रही है, मेटल की पाइप है, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है, सरफेस पर भी होगा, अंदर भी, अंदर भी नहीं, अंदर नहीं, भी कहने पर टोन गड़बड़ाएगा। सॉलिड सिलेंडर है, मोटा पाइप है, एकदम भरतू, अंदर हाथ डालना मुश्किल है, अंदर हाथ नहीं जाएगा, अंदर पूरा भरा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर है तो बताइए बाहर मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस पर, अंदर भी, बस एक्सेप्ट माने सिवाय या बजाय एक्सिस के, एक्सिस पर नहीं, बाकी हर जगह होगा, है कि नहीं। ग्राफ इसका प्लॉट करिए, मैग्नेटिक फील्ड का आर्क साथ वेरिएशन, ये कैपिटल आर लिखने का मतलब समझते हैं आप लोग, कैपिटल आर मतलब कहां है, सरफेस, अब कहां है, अब कहां है, अब कहां है, चलिए एक्सिस पे होता है कि नहीं, नहीं होता माने यहां पे जीरो, सरफेस होता है कि नहीं, हाँ होता है, यानी यहां पर इसी सीध में से वर्टिकल, इसी सीध में है कि नहीं, जैसे स्केल रख कर डॉक्टर दिखा देखा, नहीं इसी सीध में, इसी सर के ऊपर है, अबव द हेड। अच्छा आप बताइए बाहर, बाहर तो भाई डिक्रीज करता है, वही चीज डिक्रीज करता है, बी प्रोपोर्शनल वन बाई आर, यानी कौन सा कर्व है मैथमेटिकली, रेक्टेंगुलर, चलिए ठीक। अब अंदर क्या सीन है, अंदर माने थर्ड केस में, अंदर ये आया है कहां, कॉन्स्टेंट है, स्मॉल आर है ना, हाँ अगर आर बढ़ाएंगे तो बी भी, क्योंकि स्मॉल आर ऊपर आ गया है, इसका मतलब आर बढ़ाएंगे तो बी भी बढ़ेगा, सिंगल सिंगल पावर है, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से सरफेस तक बढ़ता है, ये ऐसे एकदम सीधा, ये स्ट्रेट लाइन है, क्या रिलेशनशिप है, बी प्रोपोर्शनल आर, ये कैसा कर्व है स्ट्रेट लाइन, ये कैसा कर्व है रेक्टेंगुलर है। और देख लीजिए हालो वाले में ये वाला अंदर वाला पोर्शन एब्सेंट था, गायब था कि नहीं, सॉलिड वाले में भी पार्ट रहता है। हो गया, अगला एप्लीकेशन है, चार एप्लीकेशन हो गया, अब एक ठोस सीख लीजिए, जैसे योग पूरा समाप्त हो गया, इसलिए एमपीएस सर्किट अल्लाह और उसका पूरा एप्लीकेशन आज हो जा रहा है। घर जाकर के रिवीजन जरूर करिए और उस पर नए क्वेश्चन तोड़िए। आपकी सेल्फ स्टडी ही फाइनली दिमाग में ग्रैप्सिंग कराती है, घर पर आप अकेले में बैठ पढ़ते हैं वही पूरा पूरा अंत में दिमाग में स्टोर होता है।
क्लास की स्टडी बहुत अच्छी है लेकिन रिवीजन तब भी करना जरूरी होता है। रिवीजन करेंगे अकेले बैठ के तब वो पूरा पूरा लोड है, तब पूरा मैटर याद होगा। हटा दें पूरा, ये इधर नहीं, चलिए नीचे। अंतिम एप्लीकेशन बोलिए तो क्या है? सीट माने चादर, अगल बगल बहुत से वायर एकदम बिछाए गए। जैसे ये देखिए, एक तार, दूसरा तार, तीसरा तार, चौथा, पांचवा, छठवा, इस तरह से एकदम सटा सटा करके बहुत से वायर है। जैसे हाथों की उंगलियां है, ये चार उंगलियां, चार उंगलियां एकदम एक साथ जा रही नहीं, चार तार हो गए, सब में करंट जा रही है इतना। फिर ऐसे चाठ और सटा दे तो आठ तार हो गया। देख रहे नहीं, इस तरह से पूरा बेल्ट की तरह, पट्टा की तरह, जैसे लिफ्ट वगैरह में जो वायर होते हैं उसमें बेल्ट की तरह होते हैं, मल्टीपल वायर जाते हैं उसमें, है ना। कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर सीपीयू के अंदर जो लगा होता है, उसमें भी 15-15, 20-20 वायर एक साथ मूव करते हैं बेल्ट की तरह, पट्टे की तरह उसमें वायरिंग होती है। और उसमें जो सोल्डरिंग तो रहती ही है, लेकिन उसमें जो होता है फोल्डिंग वाला होता है, वो रिमूवेबल होता है, उसको पिन रहता है, पिन अगल बगल से क्लिपिंग करके दबा करके उसको निकाल सकते हैं, पूरा बेल्ट चेंज कर सकते हैं, है ना। एक एक वायर नहीं, पूरा बेल्ट कंपोजिट पूरा पैनल होता है। तो इस तरह की व्यवस्था, बहुत से तार बिछाए गए हैं टेबल पर, टेबल पर ऐसे एक तार आ रहा है खूब लंबा, दूसरा तार उसी बगल में, तीसरा तार उसी तरह सटा सटा के बहुत से तार है। तो इसमें क्या देखना है, कितना बड़ा तार है, मतलब नहीं, ये यूनिट लेंथ में कितना करंट फ्लो कर रही है, लैम्डा यहां पर इंपॉर्टेंट है, करंट पर यूनिट लेंथ। एक नया टर्म यहां पर सीखेंगे, लैम्डा। लैम्डा क्या है? करंट पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितनी करंट है उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी फॉर्म में रिजल्ट भी आता है। आंसर लीजिए, पहले लिख लीजिए भाई, म्यू नॉट इंटू लैम्डा। अब भाई बस विशेष ज्यादा कुछ नहीं, यही है। वेयर लैम्डा क्या है? लैम्डा होता भी है करंट पर यूनिट लेंथ, आई बाई एल, करंट पर यूनिट लेंथ। इसे बता दे रहे हैं धन भाई, चलिए इसका प्रूफ देख लीजिए जरा। ये तार की लेंथ नहीं है, इसको गलत मत समझिएगा आप, ये तार का एक्सपेंशन है, प्रसार है। वायर तो बोर्ड के अंदर गए हैं, बोर्ड के अंदर गए हैं, ऐसे अगल बगल बिछाए गए हैं, बोर्ड के अंदर गए, या करंट बाहर आ रही, करंट बाहर, इसमें हम इसे दिखा रहे हैं, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। बना लीजिए, हे यहां जरा कैपिटल एल कर लीजिए, तो करंट पर यूनिट लेंथ कैपिटल एल कर, टोटल लेंथ। यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहां पर इस पॉइंट पर, तो पहले कवर कर लीजिए, कैसा लूप बनाए, चलिए स्क्वायर लूप ही बना लीजिए।
अब आप बताइए इस वायर की वजह से जो करंट जा रही है इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ इशारा करें, लेफ्ट साइड की राइट साइड? इसके सुर लगाइए, इसे घुमाएंगे इधर ही जाएगा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर से मिलेगा लाइन इंटीग्रल समाप्त क्योंकि एंगल 90 हो जाए इस वायर से। अच्छा इसी तरफ पॉइंट यहां हो तो बताइए पेच का सुर लगाइए ऐसे इधर, इधर तरफ होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं? यानी डीएल जैसे पोर्शन यहां पर सेलेक्ट कर रहे हैं वैसे ही डीएल यहां पर भी। बोले अब अगर एक का इंटीग्रल पूरा समेटना चाहते हैं तो डीएल की इंटीग्रल क्या लिखेंगे, एल के टू एल, टू एल क्या लिखेंगे क्योंकि नीचे से भी मिल रहा है ऊपर से भी, इस वर्टिकल वाले साइड की वजह से नहीं मिल रहा है। तो यहां पर कितनी करंट पास करेगी, सिंस लैम्डा इक्वल टू होता है आई बाई एल, सो करंट क्या होगी, करंट आई डैश अगर लिखना है तो लैम्डा इंटू एल लिख लीजिए, इसकी साइड कितनी है एल, साइड एल है स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ स्मॉल एल, ये से। अरे यहां से करंट चाहते हैं क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू कैपिटल एल, हमको इसके अंदर चाहिए तो लैम्डा इंटू स्मॉल एल लिखिए, खाली से टोन समझने में मदद मिल रहा है भाई, ऐसा होता है करंट चाहिए तो लैम्डा में लंबाई से मल्टीप्लाई, लंबाई यहां पर ये वाली लंबाई लीजिए ना, नोट करिए बाई ए सी एल एम्पियर सर्कुलर लॉ से क्या लिख देंगे बी और डॉट डी एल, एक इंटीग्रल और मिल रहा है बी, जैसे एक का इंटीग्रल लिखता है तब टू एल करना पड़ता है, दूध साफ साफ इससे मिल रहा है इससे मिल रहा है, साफ साफ लिखिए जिससे बोझ खत्म हो जाए दिमाग। अब इधर म्यू नॉट इंटू आई, और आई आपके लिए टोटल आई नहीं, ये इसके अंदर आई डैश से पहुंच के लिए, तो ये कितना हुआ, ये तो आपके लिए बी और इंटू एल हुआ पूरा इंटीग्रल, ये भी आपके लिए बी इंटू एल हुआ पूरा, सॉल्व करेंगे तो सर्कल पर होता तो टू पाई आर लिखते ना, बी इंटू टू पाई आर, यहां पर डीएल की इंटीग्रल क्या हुआ एलाइन होगा डीएल की इंटीग्रल, इधर क्या आएगा जी म्यू नॉट और आई डैश कितना है लैम्डा इंटू एल, कितना आया 2BL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू लैम्डा इंटू एल, एल का निपटारा हुआ। अब तो देख ही रहे होंगे आंसर, दिखा प्रूफ समझ में आया, याद रखिए, याद रखना बहुत जरूरी है म्यू नॉट इंटू लैम्डा बाई टू होता है बस इतने हल्के फार्मूला, सीट ऑफ वायर रहेगा। एक आग अच्छा सवाल हो जाए, 10:30 बज जाए तो हमको बता दीजिएगा। क्योंकि मैटर पूरा कवर हो गया, सेट हो गया, थोड़ा सा कम पढ़ाएंगे तभी चलेगा। चलिए देखिए, वैसे भी दो लेक्चर लगभग और लगेंगे इस पर, दो लेक्चर में पूरा समाप्त हो जाए मैं चीज, है ना। चलिए देखिए, इसकी रेडियस कितनी है ए है, इसमें मटेरियल है तार है मेटल का, फिर कुछ दूर तक इंसुलेशन है प्लास्टिक वगैरह है, इसकी रेडियस कितनी है बी है,
इसकी रेडियस सी है, यहां भी मटेरियल है, यहां भी मटेरियल अवेलेबल है, जहां जहां मार्किंग की है वहां वहां मटेरियल है। पांच मिनट, अंदर करंट इसके पास कर रही है, यहां पर करंट नंबर वन आई वन, और इसमें करंट पास कर रही है आई टू। अच्छा, पूरे में इस पूरे एक क्रॉस सेक्शन में आई वन करंट बाहर, इस पूरे वाले मटेरियल में आई टू करंट बाहर, बीच अपना रुई है, कागज है, प्लास्टिक वस्टिक भरा गया है, इसे साल्ट ना करे मटेरियल। जैसे आप डीटीएच वाला वायर देखे हैं, एकदम सिलेंड्रिकल होता है, एकदम गोल मटोल दिखता है लंबा सा, है ना, उसमें एक तो बीच में नुकीला वायर रहता है, फिर प्लास्टिक रहता है, फिर जाली रहती है, जाली है ना, जाली रहती, फिर ऊपर से प्लास्टिक लगा रहता है। देखें नहीं डीटीएच वाला वायर, डीटीएच वाला वायर अगर हो तो खुला कहीं कटा हुआ क्रॉस सेक्शन देखें तो समझ जाएंगे। एक तो बीच में जैसे यही समझिए ना, ये बीच में जैसे टिप है, इसमें करंट पास कर रही है, फिर बाहर वाले बॉडी में करंट पास कर रही है, बाकी ये इसमें नहीं। जैसे कलम है, रिफिल वाली कलम है, तो रिफिल में करंट पास कर रही है, फिर रिफिल और बॉडी के बीच में गैपिंग होती है, फिर बॉडी में करंट पास कर रही है, वही सीन है। माने ये इसमें करंट नहीं पास कर रही, इसमें कुछ नहीं, इसमें खाली खाली जगह है, या है भी तो लकड़ी खड़ी है, प्लास्टिक, इसमें करंट नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग होने की वजह से इसमें नहीं पास कर रही। देख रहे नहीं, करंट कहां पास कर रही है, ए रेडियस में और सी में नहीं, सी माइनस बी वाले स्पेस में, सी बी बी को सबट्रैक्ट करनी है कि नहीं, ये तो जहां जहां पास करें वहां पर ऐसे सेटिंग की है। अकॉर्डिंग एज फिगर कैलकुलेट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ, आपको स्फीयर लग रहा होगा लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये केबल है, केबल, ये केबल है, कोई क्या करिए ऐसा भी केबल, हाँ केबल है, बस बहुत लंबा से आगे गया है, बहुत मोटा से पीछे, एकदम बोर्ड पीछे गया है, हम उसका टीएस दिखा रहे हैं। जैसे आप क्या देख पा रहे हैं इसमें, यही क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं ना, तो एक कट करके यही वाला क्रॉस सेक्शन एक मोटा से दिखा रहे हैं बस, बाकी लेंथ आगे होगी, लेंथ इसका बॉडी पीछे होगी। कैसा केबल है, कोएक्सियल, कोएक्सियल केबल माने एक्सिस एक का है, जबकि अभी सवाल लगाने का प्रयास मत करिएगा, वेरेज करके उस आर को लोकेट करेंगे, कहां है आर, कितना बड़ा है। पहला, आर ग्रेटर देन सी, इसका मतलब पॉइंट कहां पड़ रहा है, सबसे बाहर, पूरे मोटे वाले केबल के बाहर। दूसरा सवाल, आर इक्वल टू सी कहां पड़ रहा है, सरफेस पर, सी वाले पर। R की वैल्यू B से स्मॉलर है लेकिन A से ग्रेटर, R की वैल्यू A से ज्यादा है लेकिन B से कम, ज्यादा कम जानते ही नहीं, जिसकी तरफ मुंह बड़ा होता है चीज बड़ी होती है, जैसे 2 है और ये 5 है, कैसे लगाएं साइन, कौन बड़ा है, 5, 5 तरफ मुंह बड़ा कर दी ना, ये R बड़ा है कि B बड़ा है, B, R बड़ा है कि A बड़ा है, R, यानी R की वैल्यू A से बड़ी है लेकिन B से छोटी, इसका मतलब है यहां इस रीजन में कहीं पर मार्किंग करने की इशारा कर रहे हैं। तीसरा हो गया, चौथा, R की वैल्यू A से छोटी है लेकिन जीरो से बड़ी, इसका मतलब सबसे अंदर आ गए। पांचवा सवाल सबसे मजेदार है, R की वैल्यू C से छोटी है, C से स्मॉलर लेकिन B से ग्रेटर, सब अच्छे अच्छे सवाल है।
लीजिएगा फर्जी सवाल, आर इक्वल टू बी माने इनर वाले के सरफेस पर जो मिड वाला है, ये एक सवाल लगा लीजिए, पूरा पूरा एसीएल से पर पकड़ बन जाएगी हम लोगों की, एसीएल से निजात मिल जाएगा भाई। देखिए पहला वाला पॉइंट कहां पड़ेगा, सबसे बाहर, और जब सबसे बाहर पड़ेगा तो वहां से एक ठो इमेजिनरी लूप बनाएंगे, उस लूप के अंदर कितनी करंट पास करेगी, आई वन और आई टू दोनों पास करेगा। अरे भाई अगर आर ये पॉइंट यहां है तो इसको बोल दीजिए स्मॉल आर, स्मॉल आर के डिस्टेंस का इसे लूप बनाइए, लूप बनाए तो पूरे लूप के अंदर सब आ गए कि नहीं, इसमें आई वन पास कर रहा है, इसमें आई टू पास कर रहा, लेकिन बड़े वाले के अंदर तो सब हो गए, बोलिए। यानी कुल मिलाकर के नेट करंट क्या आ जाएगी, यहां पर क्या फॉर्म लगाएंगे, सिलेंडर के बाहर वाला डायरेक्ट लिख दीजिए, ये चलिए वही लिख दीजिए, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू आई, और आई करो, और इसको क्या लिखें, बी इंटू टू पाई आर लिख दें, भाई लूप यहां पर सर्कुलर बनेगा, तो क्या आ गया म्यू नॉट आई वन और प्लस आई टू, केवल बी चाहिए तो इससे डिवीजन ले लीजिए, म्यू नॉट बाई टू पाई आई वन प्लस आई टू बाई आर। सवाल को फिर से समझिएगा जरूर आप, सवाल बहुत अच्छा है। दूसरा आर इक्वल टू सी, आर इक्वल टू सी लिखें तो ये किसके लिए था, आर ग्रेटर देन सी के लिए, ये वाला आर इक्वल टू सी के लिए बी डॉट डीएल। अब बी डॉट डीएल से डर नहीं, बी डॉट डीएल का मतलब क्या होता है, बी इंटू टू पाई आर, बस इधर जो सी लिखेंगे, सी का मतलब क्या, फिर बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, फिर पूरी करंट कितनी आ गई, म्यू नॉट, हाँ करंट फिर से आई वन प्लस आई टू बनेगा बस। और यहां पर जो सी हो गया आर, तो बी इंटू क्या लिखे, टू पाई आर लिखे, टू पाई सी लिखे, यही सब बुद्धिमानी है जो बहुत कम देखने को मिलती है ना। तो बी कितना हो गया जी, म्यू नॉट बाई टू पाई आई वन प्लस आई टू डिवाइड बाई सी, दो आंसर आ गए। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है जी, आर की वैल्यू बी से स्मॉलर है लेकिन इसे ग्रेटर है, बी से स्मॉलर है ए से ग्रेटर, माने इस स्पेस में आ गए, और इस स्पेस में आ गए तो क्या मतलब रह गया, कुछ नहीं। इंटीग्रल बी डॉट डीएल, उस स्पेस में आया तो नेट करंट कितनी पास करेगी, केवल आई वन ही ना, देखते क्यों नहीं, बी से कम और ए से ज्यादा, इसका मतलब हे यहां जहां से डॉट लगा रहे हैं, बी से छोटा ए से ज्यादा, यही ना है, अगर इसका लूप बनाएंगे भी तो इसमें कितनी करंट पास करेगी, एक करंट पास करेगी, बाकी आई टू वाला बाहर छूट गया तो अंदर कितनी करंट पास करेगी, केवल और केवल आई वन, ये लिख दिया। और क्या लिखेंगे, बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई वन, केवल बी कितना आ गया जी, बी हो गया आपके लिए कितना, म्यू नॉट बाई और इंटू आई वन बाई, आई वन भाई नोट करिए, समझ गए सवाल पकड़ पा रही नहीं। चौथा, चौथा क्या है, आर की वैल्यू ए से स्मॉलर लेकिन जीरो से ग्रेटर, इसका तो फार्मूला याद है आपको, अंदर हो गए कि नहीं, या फिर से शुरू से लगाना चाहे लगा दीजिए, स्टार्टिंग से ही बी डॉट डीएल, म्यू नॉट कितनी करंट पास करेगी, आई पास, आई वन पास करेगी कि आई टू, आई दस, यानी आई वन कंप्लीट थोड़ी पास करेगी, ये इसके अंदर आ गए ना, छोटा स्लूप बनेगा, ऐसा भी करिए कि आई वन डैश करे तो और अच्छा लगे, आई वन नहीं पास करेगी बल्कि आई वन का थोड़ा सा पार्ट पास करेगा,
है कि नहीं? तो ये तो हो गया बी इंटू टू पाई आर, इधर क्या म्यू नॉट, और क्या तरीका है पूरे करंट को पूरे एरिया से डिवाइड करें, पूरा एरिया माने पाई ए स्क्वायर और इंटू जो आर वाले के एरिया है पाई इंटू आर का स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए। समझ पाए क्या कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, क्या आया म्यू नॉट बाई टू पाई आई इंटू आर बाई ए का स्क्वायर। कोई गलत थोड़ी लिख रहे हैं, तो फार्मूला भी तो रटा हुआ था सिलेंडर के अंदर वाला, लेकिन एक हाथ एकदम हम लोग बिल्कुल फ्लो में चला रहे थे जिससे फंसे ना मामला, टेक्निकल वाला भी आ जाए। आई डैश निकालने क्या तरीका सुनिए, थोड़ा सा करंट निकालना पूरा कर, यहां पर आई वन लिखिए जी, आई वन क्या लिखेंगे पूरा करंट बाई पूरा एरिया इंटू वो पर्टिकुलर एरिया जिससे लूप बना रहे हैं आप। पूरा करंट इसका कितना है आई वन पूरा एरिया पाई ए स्क्वायर और इंटू आर रेडियस का जो एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर ना, ये काम तुरंत रनिंग मोड में करना है। पांचवा, पांचवा क्या है जी, पांचवे में है आर की वैल्यू सी से स्मॉलर बट बी से ग्रेटर, ये चीज तो सी से छोटा बी से ग्रेटर, इसका मतलब है इसके अंदर आ गया कि नहीं इसके अंदर, और इसके अंदर आप लूप बनाएंगे I2 पूरा पास करेगा कि थोड़ा सा I2 का पोर्शन, लेकिन I1 यही समझदारी है, यानी क्या लिखना पड़ेगा आपको B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 कंप्लीट और प्लस I2 का फ्रैक्शन I2 का डैश ना, मैंने इतना गहराई से आपको तेजी से सोचना है, सुस्ती बरतेंगे तब रुक जाएंगे वहीं पे। ए इधर कितना आया जी, इधर बोली b इंटू टू पाई आर, इधर म्यू नॉट आई वन भैया पूरा पूरा आई टू डैश लिखना है, तो क्या करने पहले आई टू बाई आई टू पूरा एरिया क्या, हाँ पाई सी स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, पाई सी स्क्वायर करते तो इसका मतलब पूरा पूरे कहां फ्लो करे आई टू, आई टू खेले इतना ही फ्लो करे इतना ही में ना, इसका मतलब पाई सी स्क्वायर में से पाई बी स्क्वायर को घटा दी तब जाकर के इस रीजन को आप मार्क कर पाए मन ही मन, समझ पाए कि नहीं, यानी आई टू बाई पूरा एरिया क्या है जी पाई सी स्क्वायर माइनस अब हो गया पूरा एरिया और इनटू इसका एरिया, इसका एरिया माने पाई कौन सा, हाँ अब सही बोल रहे हैं पाई आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसको घटाइए, खाली पाई आर स्क्वायर नहीं करना, तभी तो सवाल में दम था, क्या कैंसिल यहां से केवल और केवल पाई बाकी कुछ नहीं कटेगा। बी की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो म्यू नॉट थोड़ा पूरा लिख दीजिए यहीं भाई टू पाई आर और ब्रैकेट पार्ट, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, आई वन प्लस आई टू इंटू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना अच्छा इतना सुंदर आंसर लिखना है। लास्ट छठा क्वेश्चन, चलिए यही लगा दे रहे छठा क्वेश्चन, छठे में क्या है जी R इक्वल टू B, R इक्वल टू B जब लेंगे तो बताइए कौन सा करंट पास करेगी B, यहां पर आगे पॉइंट लेके लूप बनाएंगे तो कौन सा करंट पास करेगी I1 की I2, I2 के जरा भी कोई पोर्शन नहीं पास करेगा, कोई बात नहीं B डॉट डी एल इक्वल टू क्या लिख दें म्यू नॉट इन टू आई वन और इसकी वैल्यू क्या लिखें B इंटू टू टू पाई बी, टू पाई आर बोलते और R जब एग्जैक्ट हो गया तो वो लेटर लिख दीजिए, R इसमें एग्जैक्ट नहीं था तो टू पाई आर ही सही, R देखिए एग्जैक्ट था C तो एग्जैक्ट C लिख दिया, जहां पर इक्वल है वो C लेटर रख दीजिए, जहां पर ग्रेटर R इक्वल टू वहां R ही लिखा करिए, एक अच्छी आदत भी हम लोग अंदर पनप रही है। ये कितना आ गया टू पाई बी, इधर भैया म्यू नॉट इंटू आई वन केवल बी चाहिए म्यू नॉट बाई टू पाई इंटू आई वन बाई, सवाल समझ में आया पूरा, क्लास ओवर होती है, टाइम सब समय समाप्त हो गया, कल
का लेक्चर थोड़ा सा और ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। कल हम लोग चार्ज का मोशन सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, जिसमें रेडियस है ना और टाइम पीरियड ये सब चीज़ें, उस पर क्वेश्चन आते हैं सीधे कंपटीशन में। मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है तो सर्कुलेट कर जाता है, कल ये सब चलेगा लार्ज फोर्स पर। क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।